गुड आफ्टरनून ऑल। Let's continue with our reaction, sorry, chapter, redox reaction. Now, last time हम लोगों ने कहाँ तक देखा था? तो last time हम लोगों ने अलग अलग चीजों के oxidation number निकालना start किया था, ठीक है? मैंने तुम लोगों को finally एक question दिया था. Question क्या दिया था? तो question was 6 moles of Cl2 loses and gains 6 moles of electron. Find final oxidation number of Cl atoms. ठीक है, ये क्वेश्चन था. अब हम लोगों को पता है क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है, तो इट विल बिकम Cl माइनस. ठीक है, ये एक ही है पॉसिबिलिटी. बट क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो लूज करने के बाद इट कैन बिकम Cl प्लस, Cl प्लस 3, Cl प्लस 5 एंड Cl प्लस 7. तो इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी करेक्ट होगी इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, वो हम लोगों को पता नहीं है. बट इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो Cl माइनस में जाए. मतलब इलेक्ट्रॉन एक ही गेन हो सकता है, बट लूज करते वक्त एक इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, पांच या फिर सात इलेक्ट्रॉन भी क्लोरीन लूज कर सकता है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन जब लूज करेगा तो इट विल फॉर्म Cl माइनस प्लस एक ही इलेक्ट्रॉन एक टाइम पे लूज हो सकता है. तो ऐसे हम लोगों को 6 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, 6 मोल लूज करने हैं. तो 6 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए मुझे कितने Cl माइनस लगेंगे? तो ऐसे टाइम पे मुझे लगेंगे 6 Cl माइनस, और 6 Cl माइनस के लिए मुझे कितने Cl2 लगेंगे? मुझे लगेंगे 3 Cl2. ये फॉलो हो गया होगा. याद रखो क्लोरीन हमेशा Cl माइनस में जाएगा, ओके, सॉरी लूज किए मैंने गेन करने के बाद. ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन गेन करेगा तो इट विल फॉर्म 6 Cl माइनस एंड यहाँ पे 3 Cl2 मुझे लगेंगे. ठीक है, तो दिस इज गेन. अब उसने जितने इलेक्ट्रॉन गेन किए उतने ही वो इलेक्ट्रॉन लूज भी करने वाला है. अब मुझे बताओ मेरे पास टोटल 6 मोल्स थे, 6 मोल्स में से मैंने 3 मोल यूज कर दिए, तो मेरे पास अभी कितने मोल्स बचे? तो अभी मेरे पास बचे 3 मोल और. तो बाकी के 3 मोल Cl2 जो है वो क्या करेंगे? वो 6 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे. अब हर एक क्लोरीन, मतलब एक एक, मेरे पास 6 क्लोरीन है, तो हर एक क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो आई विल गेट 6 Cl+. एंड रिएक्शन क्या हो गई फिर? ये कैंसिल आउट कर देना. ठीक है, फाइनल आई विल गेट 6 Cl2 गिविंग मी 6 Cl+ प्लस 6 Cl-. 6 लूज हुए और 6 गेन हो गए. ठीक है, तो लिख दो. अरे मैंने ग्रुप पे अपडेट कर दिया था गाइस कि लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन 14 मोल्स का दिया था, 14 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट वो एक्चुअली रॉन्ग फ्रेम हुआ था. तो मैंने ग्रुप पे अपडेट कर दिया था कि प्लीज चेंज द क्वेश्चन टू 6 मोल्स. ठीक है, तो कर दो. ये तो इन करेक्ट आंसर था आपका. ओके, तो ये सेम हम लोगों ने लास्ट टाइम भी किया था. लास्ट के वीडियोस एक बार चेक कर लेना, सेम टाइप का क्वेश्चन हम लोग लास्ट लेक्चर में भी कंप्लीट किया था. तभी मैंने 10 मोल्स के साथ एक्सप्लेन किया था, अभी इस टाइम 6 मोल्स के साथ हो गया. ठीक है, तो थोड़ा प्रैक्टिस करो, थोड़ा दिमाग लगाना, यू विल गेट द क्वेश्चन. ठीक है, नहीं तो लास्ट टाइम की वीडियोस देख लेना. हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये पहले हो गया है तो हम लोग इसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर पाएंगे, सॉरी. तो चलो आगे बढ़ते हैं. अभी कुछ मैं तुम लोगों को क्वेश्चन में दे रहा हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, मुझे लास्ट टाइम एक ने डाउट पूछा था, व्हाट अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, तो फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉलोइंग. ठीक है, तो चलो देख लेते हैं. जिस किसी का बाकी है लिखना, जरा स्क्रीनशॉट ले लो इसका. मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ लास्ट टाइम जो होमवर्क में क्वेश्चन दिया था वो दिया किया है. ठीक है, अगर तुम लोगों ने होमवर्क का क्वेश्चन ट्राई किया होगा तो यू कैन गेट दिस, एक बार देख लेना बाद में नोट्स में.
अब फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द फॉलोइंग, ये यहाँ से हम लोग अभी लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं. तो फर्स्ट इज CH3Cl, ठीक है. सेकेंड इज CH3CH2OH. इसमें तुम लोगों को जो अंडरलाइन कर रहा हूँ उसी एटम्स के, उन्हीं एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर निकालने, ठीक है. एंड CH3C OH, DC OH-C OH, ठीक है. तुम लोगों का जल्दी ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाला है, तो ऑर्गेनिक में ये सारे कंपाउंड्स तुम लोग देखोगे. हम लोग ट्वेल्थ का भी थोड़ा पार्ट देखने ही वाले इस चैप्टर में. तो दिस फर्स्ट कंपाउंड इज कॉल्ड एज मिथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोमीथेन, IUPAC नेम है, मैं भी कॉमन नेम्स लिख रहा हूँ यहाँ पे. सेकेंड इज इथाइल एल्कोहल. थर्ड वन इज इथेनॉइक एसिड, इसका कॉमन नेम रहता है एसिटिक एसिड. एंड फोर्थ वन इज ऑक्सैलिक एसिड, ये कॉमन नेम है इसका. एंड ये हम लोग बहुत बार यूज करने वाले हैं, ठीक है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये इस चैप्टर में बहुत बार यूज होगा. ओके, स्टार्ट हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो और अच्छी बात है. लिखो जरा अभी इसके आंसर्स निकालो फिर. चलो ओके, देखते हैं कौन कौन आंसर कर पाता है. फर्स्ट वाले के आंसर आ गए, तुम लोग फर्स्ट वाले का आंसर पहले सेंड करो. नोप. तुहिन, योर आंसर इज करेक्ट. देवांग, योर आंसर इज करेक्ट. अजिंक्य, करेक्ट आंसर. रूल्स के साथ जाना. जोशुआ, योर आंसर इज करेक्ट बट यू हैव मिस्ड द साइन, ठीक है. साइन बताओ कौन सा आने वाला है. जब सीसी बॉन्ड जब आएगा, दो एटम्स के बीच में सेम बॉन्ड रहता है, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन जब सेम रहेगी तो दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग कैंसिल कर देंगे, मानेंगे नहीं, ठीक है. ओके, नो जोशुआ, कुछ तो मिस्टेक किया आपने. ओके, तो चलो मैं हेल्प कर देता हूँ. अब देखो, तुम लोगों को अगर नहीं डायरेक्ट आ रहा है तो जो अंडरलाइन किया हुआ एटम रहता है उसको एक्स लिया करो, अगर डायरेक्ट आंसर निकालने नहीं जम रहा है तो, ठीक है. अब एक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में तुम लोग एक्स वाली मेथड यूज करोगे तो ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे, मुझे ऐसे लग रहा है. तो एक्स, अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जब किसी नॉन मेटल को अटैच है एंड कार्बन इज नॉन मेटल, तो हम लोग उसको लेंगे प्लस वन. तीन हाइड्रोजन है तो प्लस थ्री. क्लोरिन, ये हमेशा रहेगा माइनस वन, इज इक्वल्स टू जीरो. तो एक्स इज इक्वल्स टू, ये प्लस टू हो गया, प्लस टू उस तरफ चला जाएगा तो ये बन गया माइनस टू, ठीक है. ओके, तो चलो सेकंड वाला देखते हैं एक बार. बी, जब टू इन योर आंसर्स आर करेक्ट, नाइस. सी में आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है. डी, योर आंसर्स आर करेक्ट. ओके, तो सी में थोड़ी सी गड़बड़ है आपकी सिर्फ. चलो अब बी वाला देखते हैं. अब बी वाले में, अब याद रखो तुम लोगों को अलग अलग कार्बन पूछे तो अलग अलग कार्बन को अलग अलग ही कंसिडर करना. फोकट में तुम लोग पूरा मत कंसिडर करते बैठो, ये इतना पार्ट पहले कंसिडर करो, ठीक है. अब इतने पार्ट में मुझे बताओ कार्बन को क्या अटैच्ड है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन अटैच्ड है. दूसरा इधर कार्बन है तो दूसरे कार्बन कार्बन का हम लोग कुछ इंटरेक्शन नहीं देखेंगे. जब हाइड्रोजन अटैच्ड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन के ऊपर एक, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस वन, तीन हाइड्रोजन हो जाएंगे प्लस थ्री, तो एक कार्बन हो जाएगा माइनस थ्री. देखो माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो. अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कैसे होगा. तो पहले तो मुझे अटैच्ड है, मेरे इस कार्बन को अटैच्ड है दो हाइड्रोजन, तो प्लस टू इधर हो गया प्लस टू, और OH होता है माइनस वन, तो दो हाइड्रोजन का प्लस टू और OH का माइनस वन बन जाएगा प्लस वन. प्लस वन को बैलेंस करने के लिए मेरा कार्बन बन जाएगा माइनस वन. तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन इज माइनस थ्री, सेकेंड कार्बन इज माइनस वन. देखो अच्छे से यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है. तो फर्स्ट वाले केस में मेरे पास तीन हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो कार्बन को जब हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे तो उसे हम लोग प्लस वन बोलेंगे. तीन हाइड्रोजन का हो जाएगा प्लस थ्री को बैलेंस करने के लिए कार्बन हो जाएगा माइनस थ्री.
ये फॉलो हो गया होगा सबको। अब सेकेंड वाले केस में आओ, सेकेंड वाले केस में मेरे पास दो हाइड्रोजन है, तो दो हाइड्रोजन का हो जाएगा प्लस टू, एंड प्लस टू डैश माइनस वन एक है, तो प्लस टू माइनस वन हो गया प्लस वन, प्लस वन को बैलेंस करने के लिए कार्बन बन जाएगा माइनस वन। अरे ओ माइनस टू रहता है बट ये ओ एच है, मैंने तुम लोगों को बताया था पूरा ओ एच जो रहता है उसे हम लोग माइनस वन लेंगे। क्यों माइनस वन लेंगे? तो देखो ओ एच में ऑक्सीजन माइनस टू, हाइड्रोजन प्लस वन, तो ओवरऑल ये बन जाएगा माइनस वन। तो ओ एच को हम लोग हमेशा माइनस वन लेते हैं, भूलना मत। तुम लोग लास्ट टाइम के लेक्चर्स रिवाइज करके आए हो या नहीं? ऐसे पूरे नए नए वाले क्यों दिख रहे हो मुझे? अब ये वाला देखते हैं एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल अगेन पहले जैसा ही सी एच थ्री, अगर तुम लोगों को याद रखना तो याद ही रखना, सी एच थ्री है तो प्लस वन और कार्बन तीन हाइड्रोजन तो प्लस थ्री, प्लस थ्री को बैलेंस करने के लिए कार्बन बन जाएगा माइनस थ्री। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड वाले केस में देखो ऑक्सीजन माइनस टू, ओ एच माइनस वन, पूरा ओ एच माइनस वन रहता है, भूलना मत। तो माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री हो गया, माइनस थ्री को बैलेंस करने के लिए कार्बन बन जाएगा प्लस थ्री। तो फर्स्ट कार्बन बन गया था माइनस थ्री, सेकेंड कार्बन बन गया था प्लस थ्री। फॉलो हुआ सबको? सिद्धि करेक्ट आंसर है। अब थर्ड वाला, ये तो सबसे इजी हो गया। अभी देखो कार्बन और कार्बन का बॉन्ड सेम बॉन्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको इग्नोर कर देना। अब बाकी जो बचे वो ऑक्सीजन माइनस टू, ओ एच माइनस वन, तो कार्बन बन जाएगा प्लस थ्री। ऑक्सीजन माइनस टू, ओ एच माइनस वन, तो कार्बन बन जाएगा प्लस थ्री। ठीक है, अगर अभी भी किसी को डाउट होगा तो तुम लोगों ने रूल्स रिवाइज करके आए हो क्या? ऐसे क्या कर रहे हो तुम लोग अचानक से यार? कल हम लोगों ने सारे रूल्स देख लिए थे। देखो अभी जरा अच्छे से बताता हूँ, वापस एक बार ट्राई करते हैं। अगर समझो तुम लोगों को दिया है CHCl3, ठीक है, अब इसे ओपन फॉर्म में लिखो, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तुम लोग प्लीज ऐसे मत किया करो, लेक्चर रिवाइज करके आया करो। तो यहाँ पे एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है और तीन क्लोरीन है। अभी ऐसे ओपन करके पढ़ाना पड़ेगा क्या मुझे? देखो तो हर एक हाइड्रोजन के ऊपर प्लस वन चार्ज होगा, बिकॉज हाइड्रोजन इज अटैच टू कार्बन, नॉन मेटल है, तो ये प्लस वन हो गया। जब बहुत जन करेक्ट आंसर सेंड कर रहे हैं, मुक्ता, अजिंक्य, अथर्व, करेक्ट आंसर हैं। अब क्लोरीन, हर एक क्लोरीन माइनस वन बन जाएगा। अब तीन माइनस वन है और एक प्लस वन है, जस्ट अ मिनट, तीन प्लस वन है, सॉरी तीन प्लस वन बोल रहा हूं, तीन माइनस वन है और एक प्लस वन है, तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस टू हो गया। माइनस टू को बैलेंस करने के लिए कार्बन क्या बनेगा? तो कार्बन बन जाएगा प्लस टू। ठीक है, तो लिख दो ये कार्बन बैलेंस करने के लिए प्लस टू। और एक एग्जांपल लेके देखते हैं, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ CH2, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अगेन तुम्हारे लिए ओपन फॉर्म लिखता हूं। देखो कार्बन नहीं समझ में आ रहा होगा ऑर्गेनिक के एग्जाम्पल, तो ऐसे ओपन फॉर्म में कन्वर्ट कर देना तो तुम लोग कर पाओगे। और ऐसे ओपन फॉर्म में कन्वर्ट करते बैठ गए तो टाइम कंज्यूम होगा, तो ये आदत मत डालना फोकट की। ठीक है, तो हाइड्रोजन प्लस वन, हाइड्रोजन प्लस वन, कार्बन बन जाएगा माइनस टू, यह हाइड्रोजन प्लस वन, यह हाइड्रोजन प्लस वन, कार्बन बन गया माइनस टू। ठीक है, लिख दो। इन डी वन वाई डिड यू नॉट कंसिडर चार्ज ऑन कार्बन? अरे देखो जब डाई एटोमिक स्पीशीज में हम लोगों ने बोला था, देखो एक दो एटम्स अगर सेम रहेंगे, हाइड्रोजन डैश हाइड्रोजन, तो दोनों के बीच में जब खिंचातानी होगी, हाइड्रोजन इस तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, दूसरा हाइड्रोजन दूसरी तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट ही नहीं होंगे, तो दोनों के ऊपर जीरो जीरो चार्ज रहेगा। वैसे ही जब कभी तुम लोगों को कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड दिया, अब इसको एक एग्जांपल में ही कन्वर्ट करते हैं,
कार्बन और कार्बन के बीच में हम लोग चार्ज कंसिडर नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ उसके बाहर के एटम्स का ही चार्ज देखेंगे, ठीक है? वाई? बिकॉज कार्बन और कार्बन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, ठीक है? तो सिर्फ हम लोग हाइड्रोजन को ही देखेंगे, ये तीन हाइड्रोजन हो जाएंगे +1, तो ये बीच वाला कार्बन हो जाएगा -3, ये तीन हाइड्रोजन भी +1, तो ये बीच वाला हाइड्रोजन बन जाएगा -3। नॉट अंडरस्टूड बी? ओके, बी वाला वापिस एक बार करके देखते हैं। बी वाला फिर से एक बार हम लोग, यप इट इज एप्लीकेबल टू ऑल एलिमेंट्स। यार तुम लोग सारे रूल्स भूल गए क्या 2 दिन में? एफ एफ दो बार ले लिया था मैंने गलती से, जी। अब वापिस एक बार हम लोग बी वाला सॉल्व कर रहे हैं, बी वाले में डाउट है कुछ लोगों को। तो CH3 CH2 OH। अब इसमें देखो, अगेन इसे ओपन फॉर्म में लेके जाओ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ओपन फॉर्म में लेके जाना एलिमेंट्स को, ठीक है? तो ये हो गया CH3, ये हो गया CH2 और ये हो गया OH। ये है तुम्हारा फर्स्ट कार्बन, ये है तुम्हारा सेकंड कार्बन, ठीक है? अब फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन में तुम लोग +1 +1 +1, ठीक है? तो 3 + 1 को बैलेंस करने के लिए कार्बन बन जाएगा -3, ठीक है? अब हाइड्रोजन हो गया +1 +1, ओ एच रहता है -1। अभी ओ एच -1 क्यू, ऑक्सीजन -2 है, ऐसे क्वेश्चन मत करो, ठीक है? तो +1 +1 -1 हो गया +1 बच गया, ठीक है? ये दोनों कैंसिल हो गए, +1 बच गया। तो +1 बच गया तो इसे बैलेंस करने के लिए कार्बन बन जाएगा -1। देख लो, अभी भी कुछ डाउट होगा तो पूछो। सर इन ट्रिपल बॉन्ड इज विथ सीएल इफ, क्या इन? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग योर क्वेश्चन। एक लास्ट एग्जाम्पल हम लोग वापस सी सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ओवर, ठीक है? तो देखते हैं, मैंने क्वेश्चन दिया था CH3 C डबल बॉन्ड OH, ओके? अब इसे दिस इज नॉट अ ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज इक्वल्स टू साइन, व्हाट आर यू डूइंग टू हिम? ये मैंने ओपन फॉर्म में लेके गया ना, तो दिस इज अ इक्वल्स टू साइन कि ये स्ट्रक्चर इसमें भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे मैं बोल रहा था ऐसे, ठीक है? ओके, दैट वाज एन एरो। अब यहाँ पे इसका देख लो, इसका अगर ओपन फॉर्म में ड्रॉ करूंगा तो CH3 - C डबल बॉन्ड OH। अब CH3 का सबको समझ में आ गया होगा, ऑक्सीजन एक रहता है -1, OH -1 और ऑक्सीजन रहता है -2। -1 -2 कितना बन गया? -3। -3 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? +3, ठीक है? तो लिख दो, कंप्लीट कर दो। एंड हाँ, होमवर्क क्यों नहीं किया है? बाय द वे, मुझे ये करके देना ही नहीं चाहिए था, मैंने होमवर्क दिया था, 50 स्टूडेंट्स ने होमवर्क किया नहीं है। चालू क्या है? तुम लोग जो डाउट्स पूछ रहे हो, अगर होमवर्क करके आते तो तुम लोगों को डाउट्स आते ही नहीं, हो क्या रहा है? 50, मेरे पास अभी एग्जैक्ट काउंट भी है बट रिलेटेड भी, अभी मुझे ईमेल ओपन करने में इंटरेस्ट नहीं है। 51 स्टूडेंट्स आए गए, ठीक है? उन्होंने होमवर्क सबमिट ही नहीं किया है, चालू क्या है? जिन्होंने होमवर्क भेजा है उनको मैं नहीं बोल रहा हूँ, जिन्होंने सबमिट नहीं किया उनकी बात चालू है। अगर होमवर्क नहीं करोगे तो ये ऐसे ही होने वाला है, लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा है वो रिवाइज नहीं करके आ रहे हो, होमवर्क नहीं कर रहे हो, तो कुछ फायदा ही नहीं है, तो ये ऐसे ही फालतू क्वेश्चन पूछते रहोगे यहाँ पे आके, ठीक है? सी होमवर्क खत्म नहीं हुआ तो ठीक है, एटलीस्ट जितना हुआ है उतना सबमिट किया करो। मेरी वॉइस सबको ब्रेक होते हुए आवाज सुनाई दे रही है क्या? ओके, आवाज मेरी अच्छे से आ रही है बाकियों को? लिख दो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, सिर्फ फोकट से 22 मिनट्स वेस्ट कर दिए हम लोगों ने, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
रुको, यहाँ से डायरेक्ट नहीं करते, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वो देख लेते हैं पहले क्या रहता है, ठीक है? तो नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, स्टेप बाय स्टेप ही जाते हैं अच्छे से। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है? अब ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर का कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो जस्ट हम लोगों को ऐसे उल्टे सुलटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है? तो ऑक्सीडेशन की दो डेफिनेशन है, मैंने तुम लोगों को लास्ट टाइम नई डेफिनेशन लिख के दी थी। ओल्ड डेफिनेशन क्या थी? ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम लोग अभी भी फॉलो करोगे, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है? इस चैप्टर में ये डेफिनेशन कोई यूज नहीं करने वाला है, सेकेंड डेफिनेशन हम लोग यूज करने वाले हैं। एंड ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑयल रिग, ठीक है? तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हम लोग फॉलो करने वाले हैं, ठीक है? तो इस चैप्टर में हम लोग सेकेंड डेफिनेशन यूज करेंगे, ऑर्गेनिक में तुम लोग फर्स्ट डेफिनेशन यूज करोगे। चलो सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, सेकेंड इज रिडक्शन। तो वॉट इज रिडक्शन? पहले हम लोग ओल्ड डेफिनेशन देखेंगे, ओल्ड डेफिनेशन थी, अब ऑक्सीडेशन अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है? तो ये ओल्ड डेफिनेशन है, ये तुम लोग ज्यादा करके ऑर्गेनिक में यूज करोगे, ऑर्गेनिक में ये तुम लोग करोगे भी रिएक्शंस में। चाहिए तो मैं तुम लोगों को एक रिएक्शन दिखा दूंगा ऑर्गेनिक की, ठीक है? तुम लोगों को छोटी सी आइडिया देने के लिए, बट रिएक्शन एक्सप्लेन करते नहीं बैठने वाला हूं मैं जस्ट ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, उतना ही एक्सप्लेन करके बता दूंगा। एंड सिमिलरली अब न्यू डेफिनेशन क्या बोलती है जो हम लोग यूज करेंगे? तो न्यू डेफिनेशन बोलती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो तुम लोगों को इन्हें याद रखने के लिए सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, ऑयल रिग, ठीक है? इतना याद रख दिया तो सफिशिएंट हो जाता है। लिख दो ये पार्ट। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स MnO4 माइनस गिविंग यू Mn+2, ठीक है? एंड H2O2 गिविंग यू H2O, इनमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो एंड ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। चलो देखते हैं कौन कर पाता है। मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो जल्दी। ओके, दोनों जगह पे आंसर भेजना मुझे, मतलब दिस एंड दिस ऐसे भेजना, फॉर एग्जाम्पल +1 एंड +2 ऐसे। तो यप करेक्ट आंसर है सबका, ये हमने लास्ट टाइम सॉल्व भी किया है, ऐसे नहीं मैं कुछ नया भेज रहा हूँ तुम लोगों को, अभी बोल रहा हूँ। तुम लोग लास्ट टाइम का कुछ करके नहीं आए हो इसलिए वापस मुझे तुम लोगों को ये स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ रहा है। ओके तो हाय यार, तुम लोगों ने ना पूरी तरह से डिसअपॉइंट कर दिया है, कोई एक ढंग का आंसर नहीं भेज रहा है, क्या चालू है यार। ओके तो देखो एक्स माइनस ऑक्सीजन -2 रहता है तो 4 ऑक्सीजन -8 हो गया इज इक्वल्स टू -1, ये -8 उस तरफ चला जाएगा तो +8 हो जाएगा, तो -1 + 8 मैंगनीज विल बिकम +7, ठीक है? तो ये +7 हो गया और इस तरफ ऑक्सीडेशन नंबर लिख के दिया है, जो चार्ज है वही रहता है ना, ठीक है? तो +7 से ये जा रहा है +2, ठीक है? तो +7 से +2 जा रहा है, जिस किसी को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना डिफिकल्ट जा रहा है, होमवर्क करो, प्रैक्टिस करो। लास्ट टाइम हम लोगों ने बहुत सारे ऑक्सीडेशन नंबर की प्रैक्टिस की है, ठीक है? तो मैंगनीज +7 से अगर +2 जा रहा है तो मुझे बताओ इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए या लूज किए? मैंगनीज अगर +7 से +2 जा रहा है
तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए या लूज किए? तो अगेन यप करेक्ट बोल रहे हो. देखो ये प्लस सेवन से प्लस टू, मतलब इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. दिस इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. और जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो उसे हम लोग बोलेंगे रिडक्शन. क्या बोलेंगे? रिडक्शन. तो दिस रिएक्शन इज ऑफ रिडक्शन. ठीक है. एंड अब यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का क्या था? ये पेरोक्साइड है. पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर रहता है माइनस वन. एंड ये वाटर है, वाटर में ये बन जाएगा माइनस टू. ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा प्लस वन रहेगा. ओके तो अब यहाँ पे मुझे बताओ, इसका नेगेटिव चार्ज बढ़ गया. जब नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा तब हम लोग इसे क्या बोलेंगे? नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है मतलब वापस उसने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो वापस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो इसे हम लोग बोलेंगे रिडक्शन. तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके थे? रिडक्शन के. ठीक है, तो लिख दो फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल. दूसरे डेफिनेशन की तरफ मत जाना, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है एंड ऑल, वो सब मत देखा करो. उससे ज्यादा कंफ्यूजन होगा. सिर्फ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना ही याद रखना दिमाग में, नहीं तो बाद में तुम लोग ज्यादा कंफ्यूज होंगे. हाइड्रोजन के साथ कोई चेक नहीं करेगा, नहीं मत करना. ठीक है, तुम लोगों को न्यू डेफिनेशन के थ्रू ही जाना इस पूरे चैप्टर में, प्लीज. ओके, अब आगे Fe प्लस टू कन्वर्टिंग इन टू Fe प्लस थ्री. ठीक है, एंड फोर्थ वन इज SO3 माइनस टू कन्वर्टिंग इन टू SO4 माइनस टू. चलो करो इनको. एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं. फिफ्थ वन इज I माइनस कन्वर्टिंग इन टू I2. तो बताओ यहां पे देखो, प्लस टू से प्लस थ्री पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है. अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है मतलब उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, नेगेटिव चार्ज घट गया, और नेगेटिव चार्ज घटना मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को तुम लोग बोलोगे ऑक्सीडेशन. ठीक है, अब नीचे वाला सॉल्व करो. नीचे वाला ये तो हम लोगों ने एनओसी में भी किया था, एनओसी में किया है लास्ट टाइम, मैंने तुम लोगों को एग्जाम्पल में बताया. नीचे वाले में ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ. सल्फर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी? परफेक्ट, यश करेक्ट आंसर है, मुक्ता करेक्ट आंसर है, नाइस. तो देखो सल्फर माइ एक्स ले गए, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन माइनस टू, तीन ऑक्सीजन बन जाएंगे. परफेक्ट देवांग करेक्ट आंसर है, श्रिया करेक्ट, अच्छा आंसर भेज रहे हो अभी. तो ऑक्सीजन माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू माइनस टू, ये माइनस सिक्स इधर जाएगा, प्लस सिक्स होगा, माइनस टू प्लस सिक्स, सल्फर बन गया प्लस फोर. प्लस फोर में से यहाँ पे सल्फर एक्स माइनस एट इज इक्वल्स टू माइनस टू, ये इस तरफ चला जाएगा, तो माइनस टू माइनस प्लस एट हो जाएगा प्लस सिक्स. ठीक है, तो अगेन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है. पॉजिटिव चार्ज कब बढ़ेगा? जब इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे. तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इसे भी हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन. ठीक है, एंड फाइनली यहाँ पे ये माइनस वन तुम लोगों को दिख रहा होगा, दिस इज माइनस वन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते मत बैठना. एंड हाँ करेक्ट बोल रहे हो देवांग, ये जीरो, ये एलिमेंटल फॉर्म में है ना, तो जीरो करेक्ट. तो यहाँ पे मुझे बताओ, माइनस से चार्ज कम हो गया, करेक्ट ना, जीरो में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब एक्चुअल में चार्ज बढ़ रहा है, माइनस वन से जीरो बढ़ गया. ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. परफेक्ट, और ये भी हो गया ऑक्सीडेशन. ठीक है, ओके. तो अभी हमेशा हम लोग एग्जाम्पल के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम तो एक नोट लिखते ही है, तो एक नोट लिख देते हैं. नोट, नोट में हम लोग क्या याद रखेंगे? जब ऑक्सीडेशन होगा, जब ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा इंक्रीज होता है. देख लो, प्लस टू से प्लस थ्री ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, प्लस फोर से प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, माइनस वन से जीरो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया. ठीक है, तो हमेशा ऑक्सीडेशन के टाइम पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा. तो अभी रिडक्शन का तो तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा. जब कभी रिडक्शन होगा तब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस. ठीक है, तो देख लो, प्लस सेवन से प्लस टू ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, माइनस वन से माइनस टू ऑक्सीडेशन नंबर कम ही हो रहा है. ठीक है, तो रिडक्शन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा.
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, अगर मैं तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस दूं तो तुम लोग कर पाओगे, पहचान पाओगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। दू कुछ क्वेश्चन, ठीक है, नाक मत कटवाना प्लीज। चलो क्वेश्चन, फाइंड टाइप ऑफ हाफ रिएक्शंस। अब हाफ रिएक्शन मतलब क्या? तो जब सिर्फ ऑक्सीडेशन होगा तो हम लोग बोलेंगे आधी रिएक्शन हुई है, सिर्फ ऑक्सीडेशन हुआ है। जब सिर्फ रिडक्शन होगा तभी भी हम लोग बोलेंगे आधी रिएक्शन हुई है, सिर्फ रिडक्शन हुआ है। जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ होंगे हम लोग बोलेंगे पूरी रिएक्शन हुई, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो हाफ रिएक्शन कौन सी है वो तुम लोगों को देखना है। तो नंबर वन, K2Cr2O7 कन्वर्टिंग इन टू Cr+3। नंबर टू, H2O2 कन्वर्टिंग इन टू O2। नंबर थ्री, KMnO4 कन्वर्टिंग इन टू MnO2। नंबर फोर, K2MnO4 कन्वर्टिंग इन टू KMnO4। नंबर फाइव, K2CrO4 कन्वर्टिंग इन टू K2Cr2O7। नंबर सिक्स, तुम लोग पूरे मतलब रिएक्शन लिख के लिखने के बारे में मुझे डायरेक्ट आंसर सेंड करना, सारे के सारे तुम लोग पहले लिख दो, फिर वन आर मतलब तुम लोग सिर्फ ऐसे भी भेज सकते हो RO RO RO, ठीक है, मैं पहचान लूंगा फर्स्ट का रिडक्शन बोल रहे हो, सेकंड का ऑक्सीडेशन बोल रहे हो, ठीक है। तो ऐसे आंसर सेंड करोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पहले लिख लो, सॉल्व करने के लिए 2 मिनट दूंगा और उसके बाद आंसर देना स्टार्ट करना। याद रखो ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, मैं तुम लोगों को सिर्फ सॉल्व करने के लिए और पहचानने के लिए बोल रहा हूँ कि कौन सी प्रोसेस हो रही है, नथिंग एल्स, ठीक है। रिएक्शन की बैलेंसिंग हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। यस सचिन, क्या करेक्ट बोल रहे हो? ओके, इतना सफिशिएंट है, पहले 2 एग्जांपल सबके लिख के हो गए रहेंगे ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ मैं। 3 से लेके 10 तक का स्क्रीन पे दिख रहा है तुम लोगों को सब कुछ डेटा, लिख दो एंड पूरे 10 का आंसर मुझे सेंड करना, ठीक है, एक साथ। C36 हो रहा है, 3:39 तक का टाइम दे रहा हूँ, 3 मिनट है तुम लोगों के पास, सॉल्व करो और जल्दी आंसर सेंड करो।
राजदीप, आपके मैसेजेस चैट पे सेंड किया करो प्लीज, क्वेश्चन एंड आंसर के सेक्शन में मैं नहीं देखता। ओके गाइस, आई रियलाइज नाउ कि मैं तुम लोगों को आंसर्स दे रहा था बट माय माइक वाज ऑफ। ठीक है, तो मैंने बहुतों के आंसर्स दिए थे, सबके मैंने आंसर्स चेक किए बट अनलकीली माय माइक। तो देखो अक्षय, योर 8th आंसर इज रॉन्ग। सुहेन, योर ऑल आंसर्स आर करेक्ट। अक्षय अक्षय नहीं यश, योर ऑल आंसर्स आर करेक्ट। निहारिका, योर 5th आंसर इज रॉन्ग एंड 7th आंसर इज रॉन्ग। सिद्धि, योर 5th आंसर इज रॉन्ग। नक्षत्र, योर 8th आंसर इज रॉन्ग। देवांग, ऑल आंसर्स आर करेक्ट। अमेय, 10th इज रॉन्ग। अक्षय, 8th आंसर इज रॉन्ग। यश, ऑल आंसर्स आर करेक्ट। एंड जोशुआ, ऑल आंसर्स आर करेक्ट। नाइस। एंड जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस। ओके, तो चलो अभी कोई आंसर सेंड नहीं करेगा। असेम, योर ऑल आंसर्स आर करेक्ट एक्सेप्ट 5th क्वेश्चन, 5th आंसर। ठीक है, चलो अब कोई सेंड मत करना प्लीज, मैं एक बार आंसर देना स्टार्ट कर देता हूँ, टाइम इज अप। ओके गुड, बहुतों ने अच्छे आंसर्स दिए, करेक्ट आंसर है बहुतों के। तो 8th, अभी भी तुम लोगों को डाउट आ रहा है कार्बन के कंपाउंड्स में, क्यों ऐसा कर रहे हो क्यों? तो देखो यहाँ पे क्रोमियम, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से +3 में चले गई, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर जब कम होगा तो हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पे -1 से 0 बन गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। सॉरी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ तो हम लोग बोलेंगे रिडक्शन, माई बैड। एंड यहाँ पे -1 से 0 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन।
यहाँ पे प्लस सेवन से इट बिकेम प्लस फोर, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो अगेन रिडक्शन. यहाँ पे प्लस सिक्स से प्लस सेवन ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, वी विल से ऑक्सीडेशन. नेक्स्ट वाले में यहाँ पे अगर देखोगे ये भी प्लस सिक्स आएगा क्रोमियम, यहाँ पे प्लस सिक्स है और यहाँ पर भी प्लस सिक्स ही है तो इट इज नाइदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन, मीन्स दिस इज अ नॉन रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, इसमें रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रही है कोई भी. अब यहाँ पे ये तो सबसे सिंपल था, प्लस टू में से प्लस थ्री में जाना, इसे तुम लोग बोलोगे ऑक्सीडेशन. अब यहाँ पे मर्क्यूरी, यहाँ पे ये प्लस वन में है, दिस इज प्लस टू, तो प्लस वन से प्लस टू में जाना, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन. यहाँ पे कार्बन, गाइस देखो एक बार वापस, अगर तुम लोगों को ऑर्गेनिक कंपाउंड डायरेक्ट आंसर करने नहीं जम रहे तो अपने नॉर्मल मेथड से जाया करो, तो तुम लोग बोलोगे 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू माइनस 2. ये माइनस 8 इस तरफ चला जाएगा तो प्लस 6 बनेगा, 2x इज इक्वल्स टू प्लस 6 तो x इज इक्वल्स टू प्लस 3. ये इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तुम लोगों को प्लस 3 आंसर आएगा. ऑक्सीजन माइनस 2, दो ऑक्सीजन माइनस 4, माइनस 4 को बैलेंस करने के लिए प्लस 4, तो ये माइनस प्लस 3 से प्लस 4 में जा रहा है, दैट मीन्स इट इज ऑक्सीडेशन. नाइट्रोजन यहाँ पे आपको प्लस 4 5 में मिलेगा, यहाँ पे आपको प्लस 4 में मिल रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया तो रिडक्शन. यहाँ पे दिस इज प्लस 2, वाई, बिकॉज सल्फेट इज माइनस 2, याद रखना सल्फेट माइनस 2 रहता है इसलिए ये प्लस 2. अब अगेन ये माइनस 2 रहेगा, माइनस 2 को बैलेंस करने के लिए प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना सिर्फ. ठीक है, तो प्लस 2 से प्लस 3 में जा रहा है आयन तो दिस इज ऑक्सीडेशन. ठीक है, लिख दो जिस किसी का बाकी होगा. इन थर्ड, इन फर्स्ट वन इट्स Cr2, नो नो नो, फर्स्ट वन में किसी को डाउट है तो जरा देख लो फर्स्ट वन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है. देखो पोटेशियम, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखोगे तुम लोग, प्लस वन, तो दो पोटेशियम है इसलिए ये बन गया प्लस टू, प्लस दो क्रोमियम है इसलिए 2x, माइनस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन माइनस 2 तो 7 ऑक्सीजन माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0, प्लस 2 माइनस 12. ठीक है, प्लस 2 माइनस 14 माइनस 12 बन गया, माइनस 12 दूसरी तरफ चला जाएगा तो 2x इज इक्वल्स टू प्लस 12, तो x इज इक्वल्स टू प्लस 6. ठीक है, तो लिख दो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने तुम लोगों को आना चाहिए, और नहीं आ रहा है तो प्लीज प्रैक्टिस करो. हम लोगों ने लास्ट टाइम बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए, ऐसे मत करो मेरे साथ, भावनाएं हर्ट हो रही है मेरी. ओके, टेंथ वन का एक बार वापस देख लेते हैं. तो देखो सल्फेट आयन हमेशा क्या रहता है, माइनस टू रहेगा. ठीक है, एसओ फोर माइनस टू हमेशा हम लोगों ने लिखा है, तो ये अगर माइनस टू तो ये प्लस टू बन गया. ये वाला पार्ट तो बहुत ईजी है, अब दूसरा वाला पार्ट देखते हैं. समझ लो तुम लोगों को यहाँ पे आयन का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता था, तो वॉट वी विल कंसिडर, आयन 2x माइनस एक सल्फर माइनस 2, तीन सल्फर माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू प्लस 6, x इज इक्वल टू प्लस 6 प्लस 3. और मैं तुम लोगों को बहुत बार बताया है बाइनरी कंपाउंड अगर रहेंगे, बाइनरी मतलब क्या, तो सिर्फ दो ही चीजें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये माइनस 2 इधर, ये प्लस 3 इधर, खत्म, डिस्कशन यहाँ पे ही खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो लिख दो अभी. गाइस प्लीज लेक्चर रिवाइज करके आया करो, ऐसे ही आओगे तो बहुत तकलीफ होगी तुम लोगों को भी और मुझे भी, और होमवर्क किया करो पहले. ओके, सल्फर, ना ना ना, याद रखो ये यहाँ पे भी SO4 था और यहाँ पर भी SO4 ही है, तो अगर सेम चीज है तो ऑक्सीडेशन भी नहीं हो रहा है, रिडक्शन भी नहीं हो रहा है. तुम लोग यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाले का कोई फायदा नहीं होता. ओके, होता है ऐसे कभी कभी, बट याद रखो हम लोगों को सल्फर का यहाँ पे नहीं निकालना था, आयन का ही निकालना था. ओके, तो चलो थोड़े और क्वेश्चन करते हैं. नाउ इन अ कंपाउंड वेर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, चलो सल्फर के ऊपर ही क्वेश्चन देता हूं मैं, वॉज माइनस टू. सल्फर गेन्ड
गेन नहीं, माइनस टू है ना, तो लॉस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स. फाइंड द फाइनल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फ्रॉम फॉलोइंग, फ्रॉम फॉलोइंग. इट इज MSQ, ठीक है, मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन. ठीक है, मेरी मर्जी, मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ. तो ऑप्शन ए दिया है H2SO4, ऑप्शन बी दिया है SO3, ऑप्शन डी दिया है मैंने H2S2O7, एंड ऑप्शन डी दिया है, ई दिया है मैंने H2S2O3. अरे सॉरी, मैं सी क्यों भूल गया. तो सी H2S2O7, एंड ऑप्शन डी है H2S2O3. बताओ, मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन है तो तुम लोगों को बताना है कि नीचे में से कौन सा आंसर आएगा. मतलब जब सल्फर माइनस टू में से 8 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो नीचे में से कौन से कंपाउंड्स बना पाएगा. अक्षय, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो अच्छे से सोचना, बहुत अच्छे से सोचना इसके ऊपर. ठीक है, ये बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो देखते कौन अच्छे से आंसर दे पाता है इसका. मल्टीपल सिलेक्शन है तो इसमें माइनस मार्किंग नहीं रहती, तुम लोगों को पता ही है. बट अगर ये रॉन्ग एक भी तुम लोगों ने सिलेक्शन करना भूल गए, तुम लोगों ने सिर्फ बोला, समझ लो कि बी बोला या फिर बी और सी बोला, बट आंसर था ABC, तो तुम लोगों को 0 मार्क्स मिलते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन में. ठीक है, या फिर आजकल IIT में और एक टाइप का क्वेश्चन आने लग गया है. ठीक है, इंटीग्रेशन नंबर वाले, मतलब तुम लोगों को डायरेक्ट नंबर लिखना पड़ता है. तो हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कैन बी करेक्ट आंसर, ऐसे बोलेंगे कि एक ही है, दो है, तीन है, चार है, ऐसे भी आ सकता है. तो इंटीग्रल टाइप भी का भी क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर. तो अच्छे से सोचो और आंसर भेजो. अभी तक किसी ने भी करेक्ट आंसर भेजा नहीं है. आई एम स्टिल वेटिंग. ओके, चलो, बहुत जन नजदीक आए, बट अगेन मल्टीपल सिलेक्शन रहने की वजह से किसी का भी आंसर करेक्ट नहीं है. तो लेट्स सी, सल्फर -2 में से इसने 8 इलेक्ट्रॉन लूज किए. 8 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो -2 से इलेक्ट्रॉन लूज करते जाओ. आई गेस, ओ, एक ने करेक्ट आंसर भेजा, हर्षवर्धन करेक्ट आंसर है, नाइस. 8 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये +6 में चला जाएगा, ये इतना तुम लोगों को समझ में आने लग गया होगा. 8 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए. अगर तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज काउंट करना सीख लो, -2 -1 0 +1. समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ऐसे आप पीछे की तरफ चले जाना, तुम लोगों को मिल जाएगा काउंटिंग. ओके, हर्षवर्धन, योर आंसर वॉज करेक्ट. बाकी के लोग, चलो अभी देखो. तो हम लोगों को इतना पता चल गया कि सल्फर -2 में से कहाँ पे जा रहा है, तो ये +6 में जा रहा है. ठीक है, +6 ऑक्सीडेशन नंबर हर एक का निकालना स्टार्ट करो. तो 2x + x, सॉरी 2x क्या लिख रहा हूँ, +2 + x -8 = 0, तो x = +6. ओ माई गॉड, करेक्ट है. चलो, तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट. अब यहाँ पे ये तो बच्चा भी निकाल लेगा, -2 तो 3 ऑक्सीजन, तो ये +6, तो ओके करेक्ट. अब यहाँ पे ये भी तुम लोग निकाल पाओगे, +2 + 2x - 14 = 0, तो अगेन ये K2Cl2O7 जैसा ही है, यहाँ पे भी +6 आने ही वाला है, तो ये बन गया +6. तो अगेन ABC, बहुतों ने ये आंसर भेजा था. अब डी वाला जरा मैंने ट्रिकी क्वेश्चन लिखा था. ठीक है, अगर तुम लोग ने नॉर्मल मेथड से चले गए, 2x बोल रहा हूँ, +2 + 2x - 6 = 0, तो ये हो गया -4, तो 2x = +4, x = +2, और तुम लोग इसको कैंसिल आउट कर दोगे. बट दिस इज एवरेज माय डियर फ्रेंड्स. ठीक है, तो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा रहता है अगर किसी को याद होगा, तो S OH OH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड S, और यहाँ पे सल्फर, ये ऊपर वाला sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है, तो दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. एंड ये नीचे वाला जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है, तो हेंस इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो ऊपर वाला बन जाता है -2,
और नीचे वाले सारे के सारे ये -1, ये भी -1, ये बन गया -2, तो बीच वाला बन गया +6, ठीक है। तो अगेन इवन डी वॉज करेक्ट, समझा, लगा झटका। तो इसीलिए क्वेश्चन तुम लोगों को बहुत उल्टे सुलटे टाइप के बना के देने के लिए बन सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। पूरे केमिस्ट्री में क्वेश्चंस कैसे भी बन सकते हैं, एंड इसलिए मैंने तुम लोगों को सारे कंपाउंड्स पहले से पढ़ाए थे, और इसलिए मैंने तुम लोगों को होमवर्क में सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के आने के लिए बोला था, ठीक है। तो जब तक तुम लोग वो उतना काम नहीं कर लेते, ये ऐसे तुम लोगों को क्वेश्चन मिलते ही रहेंगे। ऑब्वियस है, तुम लोग सॉल्व करोगे तो बहुत ईजी क्वेश्चन भी मिलेंगे, बट अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो हम लोगों को आना चाहिए भी, ठीक है। लिख दो ये क्वेश्चन, अच्छा था। चलो आगे बढ़ते हैं, डरो मत, यहाँ पे तुम लोगों को 0 मार्क्स ही मिले, माइनस नहीं गए हो। तो आगे, 1 मोल ऑफ KNO4 लूजेस 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn, ठीक है। अगर तुम लोगों को पता है तो डायरेक्ट आंसर भेज दो, नहीं पता है तो मैं यहाँ पे सॉल्व करने ही वाला हूँ। गाइस, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था, प्लीज इसको चेक करना, हम लोगों ने ये लास्ट टाइम ही किया है। मैंने लास्ट टाइम तुम लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन दिया था दैट अगर सल्फर और सल्फर का बॉन्ड है यहाँ पे एक्सेप्टेड, बट दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, डिफरेंट है, ठीक है। तो जब हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट रहता है तो sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3, ठीक है। तो sp2 अगर sp3 से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये सल्फर -2 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये मैंने तुम लोगों को लिख के दिया था, प्लीज देख लो। ओके, तो करो करो ये। ए इट्स नॉट फाइंड, फाइंड इट्स फाइंड फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज, कौन है ये? ओके, इट्स फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर, फाइंड फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, तो सॉरी, एक छोटा सा चेंज कर सकते हो मेरे लिए, ये लूजेस मत करना, यहाँ पे गेन कर लो। गेन्स 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेट करेक्ट आंसर है, टू इन करेक्ट आंसर है, अमेय करेक्ट आंसर है। तो KNO4, ठीक है, कितने मोल्स था? 1 मोल। ये क्या कर रहा है, तो 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो तुम लोगों को पता है यहाँ पे इसके ऑक्सीडेशन नंबर थी +7, +7 में से अभी जब ये 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, रिडक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 5 से कम हो गई। तो 5 से कम हो गई तो ये हो गया Mn+2 में, खत्म, दैट्स इट। अजिंक्य करेक्ट आंसर था, यश करेक्ट आंसर था। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसे टाइप का, ओके, तो 2 मोल्स ऑफ NH3, सिंपल लेते हैं, NH3 लूजेस 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। चलो करो ये फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर भेजना मुझे। यश करेक्ट आंसर है, नाइस। बाकी के लोग, अक्षय परफेक्ट आंसर, अमेय करेक्ट आंसर, वृतांत करेक्ट आंसर, NH3 था, एंड ये NH3 जो है
इसमें हाइड्रोजन प्लस वन तो नाइट्रोजन था माइनस थ्री, कितने मोल्स थे? 2 मोल। अब याद रखना 2 मोल 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, तो 1 मोल कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? तो 1 मोल सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये मत भूलना। अथर्व करेक्ट आंसर है, असीम करेक्ट आंसर है, श्रिया करेक्ट आंसर। तो बहुत लोग डायरेक्ट 6 इलेक्ट्रॉन 6 मोल्स के इलेक्ट्रॉन अगर निकालोगे तो तुम लोगों के आंसर गलत आ जाएंगे। हम लोगों को हमेशा 1 मोल के कंपैरिजन में देखना है। 2 मोल्स दिया है ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट 1 मोल 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन माइनस थ्री में था, माइनस थ्री में से इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो ये बन जाएगा नाइट्रोजन 0 में। ठीक है, नक्षत्र करेक्ट आंसर, श्रिया करेक्ट आंसर। अगर तुम लोगों ने 6 इलेक्ट्रॉन लूज किए रहेंगे तो बहुतों का आंसर डायरेक्ट एन प्लस थ्री में चला गया होगा। एन प्लस थ्री नहीं, वाई, बिकॉज 2 मोल दिए थे जो कि 6 लूज कर रहे हैं, तो 1 मोल 3 करेगा। ठीक है, तो याद रखो डायरेक्ट 6 मत लूज कर देना। ओके, तो चलो और एक क्वेश्चन लेते हैं, ये वापस ट्रिकी क्वेश्चन है। फाइव मोल्स ऑफ Na2S2O3 loses फोर्टी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फाइंड फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। ये भी अगेन अच्छा क्वेश्चन है। अब ये तुम लोगों के दिमाग में बांध दो, S2O3 मतलब वो ऊपर वाला कंपाउंड जो एक्सेप्शनल केस है, और इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते भी हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा वो मुझे बताना। मैं चाहिए तो तुम लोगों को स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दे देता हूँ। एस डबल बॉन्ड, एस डबल बॉन्ड, ओ ओ एन ए, ओ एन ए। ठीक है, तो बताओ इसका आंसर कैसे आएगा। एंड क्वेश्चंस को देख के प्लीज डर मत जाओ। ठीक है, संयम रखना और अच्छे से सॉल्व करना। अब इसमें एक छोटी सी चीज याद रखो, दो अलग अलग टाइप के सल्फर है, एक है -2 वाला और दूसरा है +6 वाला। इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा, -2 वाला या -+6 वाला? इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा, माइनस, हाँ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा -2 वाला, क्योंकि +6 ने जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने देके हो चुका है। ठीक है, +6 वाला जो है वो पहले से पॉजिटिव में है, उसका पहले से ऑक्सीडेशन हो गया है, वो और कितना ऑक्सीडाइज करेगा, तो वो अभी लूज नहीं करेगा, -2 वाला लूज करेगा। तो तुम लोगों को इसके ऊपर ही फोकस करना है कि ये -2 वाला कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, +6 वाला इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाएगा। एंड अमिया करेक्ट आंसर, तुविन करेक्ट आंसर, देवांग करेक्ट, यश करेक्ट, असीम करेक्ट, सिद्धि करेक्ट। तुम लोग कौन से आंसर भेज रहे हो मुझे अभी? सिद्धि करेक्ट आंसर है, नाइस। अथर्व आपने ऐसे उल्टा कुछ आंसर भेजा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अक्षय करेक्ट, श्रावणी करेक्ट। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छे टाइप का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, Na2S2O3 के ऊपर बहुत ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक्सेप्शनल केसेस के ऊपर क्वेश्चन बहुत आते भी हैं। ठीक है, अब याद रखो 5 मोल अगर 40 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो 1 मोल कितने लूज करेगा, तो 8 मोल लूज करेगा। एंड इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी किसके पास है, सल्फर इन -2 के पास। तो सल्फर -2 वाला जब 8 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो सल्फर +6 में पहुंच जाएगा, दैट्स इट, नथिंग मच। ठीक है, तो -2 वाला 8 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो +6 में कन्वर्ट हो गया, नथिंग एल्स। ठीक है, तो लिख दो। अब बहुतों को बहुत सी बार ऐसी भी प्रॉब्लम आती है कि अरे इलेक्ट्रॉन कितने लूज हुए, कैसे हुए, वो कैसे फाइंड आउट किया जाए। ठीक है, तो याद रखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड, अगर ये फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर माइनस, इवन योर आंसर वॉज करेक्ट, सॉरी आई डेंट से दैट। तो फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर माइनस इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर, ये फॉर्मूला रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी तुम लोगों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लूज हुए थे, तो 8 मोल्स लूज हुए थे, तो 8 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, तो 8 इलेक्ट्रॉन लूज होने के लिए फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों को निकालना था। तो फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, माइनस इनिशियल कितना था, 2 था। ठीक है, तो
सॉरी, इनिशियल कितना था, तो -2 था, तो माइनस माइनस हो जाएगा +2, ठीक है। तो या फिर ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, माइनस माइनस टू, तो ये माइनस माइनस हो गया, प्लस टू, प्लस टू दूसरी तरफ जाएगा, तो फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर बन जाएगा +6, ठीक है। तो चाहिए तो ये फॉर्मूला लिख दो, बट अगेन तुम लोग जितना हो सके डायरेक्ट कैलकुलेशन करने की ट्राई करना, ठीक है। आर्यन, विच क्वेश्चन, इसके पहले वाला ही क्या हम लोगों ने कौन सा लिया था, अमोनिया वाला क्वेश्चन आप बोल रहे हो क्या? ओके, देखो अगेन हम लोगों को अमोनिया का क्वेश्चन पूछा था कि 2 मोल अमोनिया 6 मोल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, ठीक है, थीके? तो 1 मोल कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 3, ठीक है। अब अमोनिया के अंदर NH3, ठीक है, हाइड्रोजन रहता है +1 में, इसने पहले से इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, अब ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा, तो अमोनिया क्या नाइट्रोजन लूज करेगा। अब 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो -3 में से नाइट्रोजन कहाँ पे पहुंच जाएगा, तो नाइट्रोजन पहुंच जाएगा 0 में, खत्म, ठीक है, लिख लो। एंड आज होमवर्क में मैं जो MCQs दूंगा वो सर फोड़ फोड़ के सॉल्व करना, ठीक है, ऐसे ही मत आ जाना नेक्स्ट टाइम लेक्चर में। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउ अभी हम लोग बढ़ने वाले हैं टुवर्ड्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो नंबर वन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब ये हम लोगों को बार बार लिखना पड़ेगा, तो ये बार बार मैं लिखते नहीं बैठने वाला हूं, हम लोग इसको क्या लिखेंगे हमेशा, OA, ठीक है। तो व्हाट इज OA, तो ये एक एजेंट है। यूजुअली एजेंट्स का काम क्या रहता है, कोई चीज बेचना या फिर कोई चीज करना। अगर कोई LIC का एजेंट होगा तो तुम लोगों के घर पे आके वो LIC की पॉलिसी बेचेगा, ठीक है। कोई SBI का होगा तो SBI की पॉलिसीज बेचेगा। अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस का एजेंट होगा तो हेल्थ इंश्योरेंस बेचेगा। तो एजेंट्स का काम क्या रहता है, वो कोई चीज करना, वो चीज करके रखना, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना। तो ऑक्सीडाइजेस अदर्स, इसका इसके पॉइंट्स लिख लो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस अदर्स, एंड ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने के चक्कर में इसका खुद का हो जाएगा रिडक्शन। तो इसका खुद का होता है रिडक्शन, तो रिड्यूसेस इटसेल्फ, ठीक है, सामने वाले की भलाई करते करते ये खुद रिड्यूस हो गया, ठीक है। अब जब कभी ये रिड्यूस होगा तो इसका होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन में ये क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, तो ये खुद इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। एंड जब कोई चीज इस खुद के इलेक्ट्रॉन मतलब गेन इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है या कम होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल, रिएक्शंस बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है, तो मैं जस्ट अभी के लिए तुम लोगों को एग्जाम्पल्स में कुछ रिएक्शन लिख के दे रहा हूं, बट अगेन रिएक्शंस बैलेंस्ड नहीं है। रिएक्शन की बैलेंसिंग हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे एक रिएक्शन दी रहेगी और तुम लोगों को पूछेंगे विच वन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बताओ इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। तो तुम लोगों को ऐसी, अक्षय करेक्ट आंसर है, तुहिन करेक्ट आंसर है, तुम लोगों को ऐसी चीज ढूंढनी है जिसका रिडक्शन हो रहा है, तो इस रिएक्शन में कौन सी चीज का रिडक्शन हो रहा है वो बताओ, बस और कुछ नहीं करना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो नहीं है। तो मुक्ता करेक्ट, यश करेक्ट, श्रिया करेक्ट, तुषार करेक्ट, वृतांत करेक्ट, अमेय करेक्ट, निहारिका करेक्ट, आर्यन करेक्ट, अथर्व करेक्ट। ओके चलो रुको, अभी अब देखो
अगर आयन को देखोगे तो आयन का हुआ है ऑक्सीडेशन, तो ये भाई इसको हम लोगों ने पॉलिसी बेची, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन किसके वजह से हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ मैंगनीज की वजह से। मेरी भावना ने पूछी, जब भावना को ढूंढ के लाना पड़ेगा। तो देखो मैंगनीज पहले +7 में था, +7 में से +2 में गया, तो मैंगनीज का हुआ रिडक्शन, और जिस चीज का रिडक्शन होगा वो रहती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, श्रावणी करेक्ट आंसर था, अथर्व करेक्ट आंसर था। तो तुम लोगों को किस चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो नहीं देखना है, किस चीज का रिडक्शन हो रहा है वो देखो, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगी, समझा? तो सेकंड, अभी तुम लोगों को रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बताने की मुझे जरूरत नहीं लग रही है। रिड्यूसिंग एजेंट, अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, ये रिडक्शन का एजेंट है, मतलब ये सामने वाले को रिड्यूस करेगा। Mn, Mn is the answer, यहाँ पे मैंगनीज ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो मैंगनीज पूरे के पूरे कंपाउंड के अंदर है ना हमारे KMnO4, तो तुम लोग KMnO4 लिख के आओ या मैंगनीज लिख के आओ, मैंगनीज सिर्फ मत लिखना, मैंगनीज इन +7 ऐसे लिख के आना, तो बोथ आंसर आर करेक्ट। अब रिड्यूसिंग एजेंट, जब यू शुड ऑलवेज कंसिडर रिएक्टेंट, हम लोगों को रिएक्टेंट की साइड ही देखनी रहती है। रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसेस अदर्स, ये सामने वालों को रिड्यूस करेगा, रिड्यूसेस अदर्स, उस चक्कर में इसका खुद का होता है ऑक्सीडाइज ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ, ऑक्सीडेशन में ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, तो इसके होते हैं इलेक्ट्रॉन्स लूज, एंड इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इस प्रोसीजर में बढ़ जाता है। अब मुझे बताओ, तो ऊपर वाले रिएक्शन में, वो ऊपर का एग्जांपल हम लोग घिसा पिटा यूज करने वाले, इस ऊपर वाले रिएक्शन में कौन सी चीज है जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, या फिर कौन सी चीज है जो रिड्यूसिंग एजेंट है, बताओ ऊपर वाले रिएक्शन में। अथर्व करेक्ट, ठीक है, अभी सब्जन करेक्ट आंसर ही दोगे प्लीज, अभी कुछ उल्टा मत बोलना। यप, सबके आंसर करेक्ट है। तो यहाँ पे आयन का हुआ है ऑक्सीडेशन, तो जिस चीज का ऑक्सीडेशन होता है वो रहती है रिड्यूसिंग एजेंट, आयन की वजह से मैंगनीज का रिडक्शन हुआ। ठीक है, तो यप, चलो कुछ एग्जांपल्स दू, तुम लोग फाइंड आउट कर लोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। फाइंड ओ ए एंड आर ए इन फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, चलो देखते हैं। K2Cr2O7 +Na2SO3 गिविंग यू Cr+3 +SO4-2। रिएक्शन बैलेंसिंग हम लोग नहीं कर रहे, ठीक है, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन से मतलब है। तो आगे बढ़ते हैं, KMnO4 प्लस SN+2 गिविंग यू MN+2 प्लस SN+4। ठीक है, नेक्स्ट Cu+2 प्लस ZN गिविंग यू ZN+2 प्लस Cu। C4 प्लस NO3- गिविंग यू PO4-3 प्लस NO2। ठीक है, इसमें तुम लोगों को ओ ए और आर ए फाइंड आउट करना है, अच्छे से सोचना और आंसर करना। चार क्वेश्चंस है, चारों के आंसर्स भेज दो। श्रावणी करेक्ट आंसर है। तुम लोगों का लिख के हो गया था ना बाय द वे, या लिखना बाकी है?
अक्षय करेक्ट आंसर है। ओके आपने सारे एक साथ ही भेज दिए क्या? ओके करेक्ट, नाइस, गुड। तुम लोग मुझे कोई एक रिएजेंट भी भेज दोगे तो दूसरा ऑब्वियसली उल्टा हो जाएगा, ठीक है? तो तुम लोग सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भेजोगे तो भी सफिशियंट है, ऐसे कुछ नहीं है कि तुम लोगों को सारे रिड्यूसिंग एजेंट भी भेजने ही है मुझे फिर। ओके श्रिया करेक्ट आंसर है, कोमल करेक्ट आंसर है, अजिंक्य, लेट मी चेक योर आंसर ना। यस अजिंक्य करेक्ट आंसर है, मुक्ता करेक्ट आंसर है, असीम करेक्ट आंसर है, नाइस टू विन करेक्ट आंसर। हमें आपने जो ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखे हैं वो गलत है, बट आपके आंसर सारे बाकी करेक्ट है। अगर सिर्फ अंडरलाइन करना रहता तो आपके सारे आंसर्स करेक्ट है। देवांग आपका लास्ट आंसर जो है वो गलत चला गया है। श्रिया करेक्ट आंसर, असीम करेक्ट आंसर, सिद्धि करेक्ट, आयुष करेक्ट, कोमल करेक्ट, यश करेक्ट एंड वेरी नाइस रिप्रेजेंटेशन, अथर्व करेक्ट। अच्छा आपने वेट है, मुझे चेक कर। यस अथर्व करेक्ट आंसर है, सिद्धि करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर तुहिन। ओके तो नाइस, सबके आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं, बहुत लोगों के आंसर करेक्ट आए हैं, ठीक है? बाकी के स्टूडेंट्स तुम लोग भी आंसर दे सकते हो। राजदीप करेक्ट आंसर, गुड, वेरी नाइस, बट आपने उल्टा दे दिया है। वाओ, ओके पूरा उल्टा कर दिया, ठीक है? आपने जो मुझे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भेजे है वो सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग है। ओके तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आना चाहिए। अब तुम लोगों को याद हो गया होगा K2Cr2O7 में क्रोमियम +6 रहता है, एंड ये Na2SO3 में सल्फर +4 है। अब +6 से जो चीज +3 में जा रही है, मैं तुम लोगों को सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता देता हूँ। +6 से +3 में जाना मतलब इसका हुआ रिडक्शन, और जिस चीज का रिडक्शन होता है वो रहती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये +4 में से -2 चली गई, सॉरी -2 नहीं, +4 में से +6 चला गया, तो इस चीज का हुआ ऑक्सीडेशन। तो सल्फर का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो Na2SO3 इज माई रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है? KN4 ये +7 रहता है, वो तुम लोगों को बायआउट हो गया होगा। तो +7 में से अगर मैंगनीज जा रहा है +2 में, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई, तो इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन, एंड जो चीज रिडक्शन के अंडर को जाती है वो रहती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दूसरा वाला बहुत ईजी है, देख लेना। अब कॉपर +2 में से चला गया 0 में, मुझे बताओ +2 में से 0 मतलब क्या हो गया? उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई। ऑक्सीडेशन स्टेट कम होना मतलब रिडक्शन, रिडक्शन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई तो इसका वह ऑक्सीडेशन मतलब दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। अब फॉस्फोरस P4 जीरो में से यहाँ पे अगर निकालोगे तो +5 आया था सबका +5, तो ये +4 सॉरी 0 में से +5 में जाना मतलब इसका हुआ यहाँ पे ऑक्सीडेशन। जिस चीज का ऑक्सीडेशन होता है वो बन जाएगी रिड्यूसिंग एजेंट। NO3- में नाइट्रोजन रहता है +5, ठीक है? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आती होगी तुम लोगों को। +5 ये हो गया +4, तो ऑक्सीडेशन नंबर अभी कम हो गया, एंड जब ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा हम लोग बोलेंगे NO3- का हुआ रिडक्शन, हेंस इट इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके देन इवन योर आंसर्स वेर करेक्ट राजदीप, बट ऐसे उल्टा आंसर मत भेजा करो, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। ओके गुड, चलो लिख दो फिर, जिस किसी का बाकी होगा लिख दो। अब नेक्स्ट हेडिंग डालना। हाउ टू आइडेंटिफाई OA एंड RA। ओके ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि तुम लोगों को रिएक्शन ना देते हुए पूछते हैं कि विच वन इज OA एंड विच वन इज RA, ठीक है?
ओके, जिस किसी का लिखना बाकी रह गया था प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, मैं क्या बोल रहा था, बहुत सी बार वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, ये ऐसे रिएक्शन नहीं देंगे, एंड दे विल डायरेक्टली आस्क दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओ एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ए, और एल्स विच स्पीशीज कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच स्पीशीज कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो इनके केस में जब तुम लोगों को विदाउट रिएक्शन पूछा जाएगा तो ट्रिक क्या है वो पहले देख लो। ठीक है, ट्रिक बहुत सिंपल है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, अच्छे से सुनना, जो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो खुद का करेगा रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो खुद का करता है रिडक्शन, और रिडक्शन करने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, और उसके लिए उसको मैक्सिमम ऑक्सीडाइजेशन स्टेट में रहना पड़ेगा। ठीक है, तो स्पीशीज स्पीशीज विच इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में लिख दो SO4-2। SO4-2 में हमारा सल्फर जो है वो +6 में है। अब मुझे बताओ, अगर कोई चीज पहले से मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है, तो इसका तुम लोग और ऑक्सीडेशन कर पाओगे क्या? तो इसका हम लोग ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसका सिर्फ और सिर्फ क्या पॉसिबल है? तो इसका सिर्फ रिडक्शन पॉसिबल है। जो चीज खुद रिड्यूस होगी वो सामने वाले को क्या करेगी? वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगी। मेरी भावनाएं पहुंची? सिमिलरली मैंगनीज इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये तुम लोगों को हजम हो गया होगा, जो चीज पहले से मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है उसका हम लोग और ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे, तो उसका रिडक्शन होगा। जिस चीज का रिडक्शन होगा वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगी। अब ये बहुत ऐसे उल्टा सुलटा तुम लोगों को लग रहा होगा, बट प्रैक्टिस करना इजी है ये बहुत। ठीक है, दूसरा रहता है रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? जो खुद ऑक्सीडाइज होगा और सामने वाले को रिड्यूस करेगा। तो इसके लिए तुम लोगों को क्या देखना है? तो स्पीशीज विच इज प्रेजेंट इन, करेक्ट, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब एक छोटी सी नोट लिख के रखना है यहां पे, नोट, अगर कोई चीज मैक्सिमम में भी नहीं है और मिनिमम में भी नहीं है और बीच में किधर तो लटकते रह रही है तो क्या होगा? तो इट कैन एक्ट एज बोथ। ठीक है, स्पीशीज हैविंग इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर कैन एक्ट एज बोथ OA एंड RA। RA के एग्जाम्पल लिख दो, मैं एग्जाम्पल देना भूल गया ना, तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना S-2 O-2 मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, तो N-3 H-, ये इनकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट रहने वाली है, तो मिनिमम से ये हमेशा मैक्सिमम की तरफ ही भागेंगे। ठीक है, तो चलो कुछ क्वेश्चन के फॉर्मेट में देख लेते हैं। आरए के एग्जांपल्स में देना भूल गया था, तो यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन।
आइडेंटिफाई ओ ए एंड आर ए फ्रॉम फॉलोइंग, ठीक है? तो तुम लोगों को ओ ए और आर ए फाइंड आउट करना है। चलो करना स्टार्ट करते हैं। तो नंबर वन इज के एम एन ओ फोर, नहीं, सिर्फ ऐसे मत बोलना कि नेगेटिव है तो ऐसा और पॉजिटिव है तो वैसा, ठीक है? उल्टा भी हो सकता है, इंटरमीडिएट हो सकते हैं वो, ठीक है? इंटरमीडिएट रहेंगे तो इट कैन एक्ट एज बोथ ए टू सी आर टू ओ सेवन, नंबर थ्री एच टू ओ टू, नंबर फोर एच टू एस, नंबर फाइव एच एन ओ थ्री, नंबर सिक्स सी बी ओ टू, नंबर सेवन एल आई ए एल एच फोर। ये तुम लोग ऑर्गेनिक में यूज करोगे। नंबर एट के आई, ठीक है? एग्स इतना सफिशिएंट हो जाएंगे, लिख दो। नंबर सिर्फ मुझे ओ ए आर ए, ओ ए आर ए ऐसे लिख के भेज देना। नंबर श्रावणी करेक्ट आंसर है। चारों के आंसर एक साथ भेज दो, मेरे लिए चेक करना इजी हो जाएगा। अलग अलग भेजते हो तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ थोड़ा। ओके, तो हमें योर फर्स्ट आंसर इज रॉन्ग, थर्ड वन इज रॉन्ग, फोर्थ वन इज करेक्ट, सेवन नाइस एंड एट्थ वन इज रॉन्ग, ठीक है? ओके, तो याद रखो तुम लोगों को फर्स्ट सेकंड ऐसे डायरेक्ट आंसर सेंड करना है। कोमल थर्ड आंसर इज रॉन्ग, रेस्ट आर करेक्ट, नाइस। मुक्ता इंडिविजुअल आइटम्स का आंसर नहीं सेंड करना है, पूरे कंपाउंड्स के बारे में ही बताना है आपको। हर्षवर्धन आपने पूरा उल्टा सेंड किया है, पूरा उल्टा, कंप्लीट उल्टा सेंड किया है ऐसे लग रहा है मुझे, जरा एक बार चेक करो। एंड अक्षय, ओके आई गेस यू गाइस आर गेटिंग कंफ्यूज्ड। सुहिन करेक्ट आंसर है, थर्ड वन इज रॉन्ग, रेस्ट ऑल आर करेक्ट, थर्ड एंड सेवेंथ इज रॉन्ग। यश थर्ड वन इज रॉन्ग, एंड आपने बाद में कुछ मिस्टेक किए लगता है, आपका सीक्वेंस थोड़ा उल्टा हो गया है, जरा एक बार चेक करना। ओके, तो चलो अभी मैं ही सॉल्व करता हूं, देखो एक बार। अगर पहली चीज देखोगे तो यहाँ पे मैंगनीज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तुम लोगों को पोटेशियम और ऑक्सीजन चेक करना ही नहीं है। ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट यूजुअली चेंज नहीं करते हैं, ये हमेशा +1 और ये हमेशा -2, तो इनको चेक करना ही नहीं है, तुम लोगों को सिर्फ मैंगनीज पे ध्यान देना है। मैंगनीज +7 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, जब कोई चीज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में रहेगी इट विल एक्ट एज अ ओए। क्रोमियम +6 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इट विल एक्ट एज अ ओए। ये दोनों तुम लोग ऑर्गेनिक में एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज भी करोगे, तब इसकी रिएक्शन भी देखना, ऑर्गेनिक में बहुत सारी होती है इनके साथ रिएक्शन, ठीक है? अब H2O2, ये अच्छा क्वेश्चन था। अब H2O2 के केस में अगर तुम लोग देखोगे तो वाओ आयुष थर्ड वन आपका करेक्ट है, वही अच्छा है, सेवेंथ वन सिर्फ रॉन्ग गया, बाकी के सारे आपके आंसर्स करेक्ट है। अब थर्ड वन, थर्ड सबका रॉन्ग गया है, अभी एक आयुष ने करेक्ट आंसर दिया, अच्छा है। एंड श्रिया आपका सेवेंथ रॉन्ग चला गया, एट्थ का आंसर आपका टाइप करना रहेगा आई गेस। तो देखो यहाँ पे पेरोक्साइड -1 स्पेशल केस, और ऑक्सीजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहती है,
ऑक्सीजन की मैक्सिमम रहती है प्लस टू, बट यूजुअली हम लोग जीरो ही मान के चलते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन यूजुअली, तो एक्सेप्शनल केस को छोड़ के, यूजुअली कहाँ पे जाएगा? जीरो। एंड मिनिमम कितनी रहती है? माइनस टू। ये इन दोनों के बीच की है, मतलब इंटरमीडिएट हो गई, तो इट विल एक्ट एज ओ एज वेल एज आर ए। सल्फर माइनस टू, ये मिनिमम है, मिनिमम जब रहेगी तो आर ए। नाइट्रोजन प्लस फाइव, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम रहेगा तो ओ ए। लेड प्लस फोर, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम रहेगा तो ओ ए। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये सब देखना ही नहीं है, हाइड्राइड माइनस वन। हाइड्रोजन मिनिमम में, मिनिमम मतलब आर ए। दिख रहा है क्या? तुम लोग इधर फोकस कर रहे रहोगे, इधर फोकस क्यों कर रहे हो? ये प्लस वन ही रहता है, ये प्लस थ्री ही होता है, इनमें कभी चेंज नहीं आता। हाइड्रोजन ये माइनस वन में कभी नहीं रहता यूजुअली, ठीक है। तो हाइड्रोजन पे फोकस करना। यहाँ पे भी ये प्लस वन है, इसको देख के कुछ फायदा नहीं है, ऑलवेज प्लस वन, हम लोगों ने रूल्स में ही लिखा था। तो आयोडीन माइनस वन, माइनस वन मतलब मिनिमम, तो ये मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जब जाएगा तो इट विल एक्ट एज अ आर ए, ठीक है। तो थर्ड वन का देख लो, एच टू ओ टू, इट कैन एक्ट एज बोथ ओ ए एंड आर ए। क्यों ओ ए एंड आर ए दोनों एक्ट कर पाएगा ये? बिकॉज एच टू ओ टू की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहती है, ठीक है, एच टू ओ टू में ऑक्सीजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहती है वो जीरो रहती है। ऑक्सीजन को जीरो में रहना ज्यादा पसंद करेगा, ठीक है, या फिर मिनिमम जो रहती है वो माइनस वन रहती है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पे ऑक्सीजन जीरो भी नहीं है, माइनस टू भी नहीं, बीच में, तो इट कैन एक्ट एज अ ओ ए एज वेल एज आर ए, ठीक है। और थोड़े इसके एग्जाम्पल चाहिए क्या तुम लोगों को? ले लो नाइन्थ, Na2SO3, 10th SO2। सेवेंथ इज रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे माइनस वन में है, ठीक है, और हाइड्रोजन की मिनिमम माइनस वन रहती है, मैक्सिमम जो है वो प्लस वन रहती है, तो ये मिनिमम में है माइनस वन, माइनस वन से ज्यादा ये नहीं कर जा पाएगा, तो आरे। नाइन्थ और टेंथ अच्छे से सोचना जरा। ए तुम लोग क्या कर रहे हो? लास्ट लास्ट लेक्चर्स के मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हो, हाउ टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सिखा था। अब एक तो लास्ट लेक्चर एबसेंट रहोगे तो प्लीज लास्ट लेक्चर देख लेना, ऐसे ही सेकेंड लेक्चर में मत बैठा करो। और हमें करेक्ट आंसर है, नाइस, वेरी गुड अजिंक्य, करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। मुक्ता परफेक्ट, करेक्ट आंसर। अक्षय नाइन्थ आंसर इज करेक्ट, टेंथ में आपने गलती कर दी है कुछ तो। निहारिका करेक्ट, हेत करेक्ट, श्रिया करेक्ट, असीम करेक्ट आंसर, नो प्रॉब्लम। सिद्धि परफेक्ट, करेक्ट आंसर है। आयुष करेक्ट आंसर, आयुष सिंगारे। ओके तो चलो देखते हैं, सल्फर यहाँ पे है प्लस फोर में, सल्फर यहाँ पे भी है प्लस फोर में। सल्फर की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है माइनस टू, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है माइनस टू, एंड सल्फर की ही मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है प्लस सिक्स। दिस इज इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट है तो इट विल एक्ट एज एन ओ ए प्लस आर ए। इवन हियर इट विल एक्ट एज एन ओ ए प्लस आर ए, ठीक है, यप करेक्ट। आयुष दहाके करेक्ट आंसर। तो चलो इसमें एक एक्सेप्शन लिख दो थोड़े से, इस रूल के लिए तीन ही एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन नंबर वन इज एच टू सी टू ओ थ्री, एक्सेप्शन नंबर वन टू इज एच थ्री पी ओ फोर, एंड एक्सेप्शन नंबर थ्री इज एच टू एस ओ फोर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, कार्बन प्लस फोर है, फॉस्फोरस प्लस फाइव है, सल्फर प्लस सिक्स है, ठीक है। अब
कार्बन जब प्लस फोर रहता है तो ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में, तो इट शुड बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट इट इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. यहाँ पे भी इट शुड बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट इट इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. यहाँ पर भी इट शुड बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट इट बिहेव इन टू वेज. अगर तुम लोग डाइल्यूट H2SO4 लोगे तो इट इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अगर तुम लोग कॉन्क H2SO4 लोगे तभी ये थोड़ा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाते हैं, माइल्ड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, तो ये इतने से सिर्फ छोटे थोड़े बहुत ये एक्सेप्शन है, बाकी कुछ नहीं. चलो बहुत हेवी हो गया होगा, लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक, विल कंटिन्यू ऑन 4:40. ठीक है, 4:40 को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, 4:40 को कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद देखेंगे. हाँ 4:43 तक ब्रेक ले लो. चलो ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक. एक छोटा सा करेक्शन कर देना प्लीज, यहाँ पे ये C2 नहीं है, कार्बोनिक एसिड. मैंने गलती से वो ऑक्सैलिक और कार्बोनिक को मिक्स कर दिया.
तो लेट्स कंटिन्यू। एंड यहाँ पे एक करेक्शन कर दो सिर्फ, मैंने गलती से H2C2O3 लिखा था, तो इट्स H2CO3, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ओके, तो शुड वी कंटिन्यू आगे? सब्जन ब्रेक इज ओवर ना। एक समरी टाइप लिख देते हैं, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें अभी आज देखी है, तो एक समरी लिख देते हैं सारी चीजों की, फिर हम लोग जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वॉट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O3 माइनस? ओके, O3 माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप एवरेज निकालोगे तो हो जाएगा 1/3। ठीक है, दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर O3 माइनस का, एवरेज इज 1/3। इसमें दो आयोडीन है, हाँ, मैं वही बोल रहा था, दिस इज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, बट O3 माइनस में याद रखो दो आयोडीन जो है वो जीरो में रहता है और एक आयोडीन जो है वो -1 में। ठीक है, तो दिस इज इंडिविजुअल एंड 1/3, ठीक है, -1/3, सॉरी -1/3 जो है वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। ओके, समरी लिख देते हैं, समरी ऑक्सीडेशन की। अगर ऑक्सीडेशन का देखोगे तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज होता है। रिडक्शन का अगर हम लोग देखेंगे तो रिडक्शन में इट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, अब दूसरा हम लोगों ने देखा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस अदर्स एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर इसका कम हो जाता है, मतलब जिस चीज का ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में अगर आपको पूछा तो यू विल से इट ऑक्सीडाइजेस, सॉरी, रिड्यूसेस अदर्स, रिड्यूसेस अदर्स, पॉइंट नंबर टू, ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ, पॉइंट नंबर थ्री, ऑक्सीडेशन नंबर इसमें इंक्रीज होगा। ओके सॉरी, मैं गलती से आई गेस O3 बोल रहा था, I3 माइनस, ओजोन की बात कर रहा था मैं आई गेस। चलो ये समरी लिख दो, हम लोगों ने अभी तक कितना ही देखा है, अभी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं टुवर्ड्स बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के पहले हम लोग एक नई टाइप की रिएक्शन देखते हैं, रेडॉक्स में ये इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, तो वो एक बार देख के फिर आगे बढ़ेंगे। कंप्लीट करो ये O3, ये एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन है, इट इज एन एलिमेंटल फॉर्म, O3 में ऑक्सीडेशन नंबर जीरो रहेगा। ठीक है, O3 इज एन एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन, हम लोगों ने ये नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में डिस्कस किया था, वो पूरा होमवर्क कंप्लीट कर दो, आपको ये सारे डाउट्स नहीं आएंगे। I3 माइनस हम लोगों ने नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में ही देखा है। ठीक है, तो जो चीजें हम लोगों ने नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में देखी है वो सारी चीजें तुम लोगों को आनी चाहिए, वो तुम लोग MCQ सॉल्व करोगे तो अपने आप हो जाएगी। MCQ बोल रहा हूँ, होमवर्क सॉल्व करोगे तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, वहां पे मैंने हर एक चीज लिख के दी है, प्लीज वहां पे चेक कर लो। ओके, तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन
रिएक्शन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं आज तक, इसके ऊपर एनॉर्मस नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं। तो देखते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या रहती है। तो रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड एंड reduced at the same time is called as disproportionation reaction। तो जब किसी reaction में एक ही चीज का ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, उस पॉइंट पे हम लोग उसे बोलेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, ये रिएक्शन तुम लोगों ने बहुत बार देखी है, H2O2, दो H2O2 के मॉलिक्यूल्स तुम लोगों को दो H2O देते हैं और O2 देते हैं। ठीक है, अब H2O2 में हम लोगों को सबको पता है ऑक्सीजन -1 में रहता है, H2O में ऑक्सीजन -2 हो जाएगा एंड ऑक्सीजन में H2O 0 हो जाएगा। ठीक है, अब -1 से -2 जाना मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हुआ, और बाद में -1 से 0 में चले जाना मतलब ऑक्सीजन का क्या हुआ। तो अगर देखोगे तो एक कंपाउंड में ऑक्सीजन का हुआ है रिडक्शन, -1 से -2 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई, तो ये हो गया रिडक्शन। ठीक है, एंड करेक्ट बोल रहे वाजिंग क्या, नाइस, वेरी नाइस। एंड सिमिलरली अगर -1 से 0 में जा रहे हैं तो यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई तो ऑक्सीडेशन हुआ, -1 से -2 ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई तो रिडक्शन हुआ। ठीक है, सिमिलरली Cl2 प्लस OH-, अगर इस केस में तुम लोगों को पूछा कि क्या हो रहा है, तो Cl2 प्लस OH- गिव्स यू Cl- प्लस OCl-। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट बोलने का रीजन, ये दो कंडीशन में होती है, एक होती है डाइल्यूट प्लस कोल्ड कंडीशन में जहाँ पे तुम लोगों को Cl- और OCl- मिलते हैं। अब यहाँ पे क्लोरीन पहले 0 में था, 0 में से ये -1 में चला गया और यहाँ पे पहुंच गया ये +1 में। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ ये +1 में यहाँ पे है। तो अब अगर देखोगे 0 में से -1 चले जाना मतलब इसका हुआ रिडक्शन। ठीक है, तो पहले हुआ रिडक्शन, अब रिडक्शन के बाद सेकेंड स्टेप में इसका हुआ, 0 में से +1 में जा रहा है मतलब क्या हुआ, तो ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, तो OCl- के केस में अगर किसी को क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली समझ में नहीं आ रहा है, ऑक्सीजन -2, क्लोरीन पता ही नहीं है तो +x इज इक्वल्स टू, ऊपर -1 चार्ज है तो -1, x -2 उधर चला जाएगा तो -1 +2 +1। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन +1 में, तो 0 से +1 ऑक्सीडेशन, 0 से -1 रिडक्शन, लिख दो। अब ये डायल्यूट और कोल्ड कंडीशन थी, तो वैसे ही मुझे Cl2 नहीं लिखना चाहिए था आदत से, मतलब वो Cl2 के साथ एक स्पेसिफिक रिएक्शन हो गई ना क्लोरीन की, तो ये हर एक हैलोजन के साथ होता है, ये हर एक हैलोजन के साथ होता है, तो यहाँ पे प्लीज Cl2 मत लिखो, X लिख दो, X स्टैंड्स फॉर हैलोजन, तो ये हर एक हैलोजन के साथ होगा। एक तुम लोगों को जनरल रिएक्शन मिल जाएगी ना, तुम लोग यहाँ पे क्लोरीन ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जनरल रिएक्शन लिखोगे तो ज्यादा अच्छा गिरेगा, तो X- और OX-। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन लिखते हैं, X2 प्लस OH- गिविंग यू X- प्लस XO3-। ठीक है, तो ये जो सेकेंड कंडीशन है ये है कॉन्सेंट्रेटेड एंड हॉट कंडीशन। ठीक है, तो ये रिएक्शन दो अलग अलग कंडीशंस पे होती है, इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखोगे तो 0 था, 0 में से -1। ठीक है, एंड अजिंक्य करेक्ट बोला आपने, ये हो गया +5। यप, X इज हैलोजन,
मैंने क्लोरीन हटा के एक्स इसलिए लिखा क्योंकि ये हर एक हैलोजन दिखाएगी सेम रिएक्शन, तो एक्स लिखोगे तो तुम लोगों को एक जनरल रिएक्शन मिल जाएगी जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सारे बताएंगे। अब यहाँ पे हो गया रिडक्शन एंड ये जीरो में से प्लस फाइव में जा रहा है तो हो गया ऑक्सीडेशन। याद रखो ये XO3 माइनस जैसे कंपाउंड्स हम लोगों ने नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में देखे हैं, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के सारे कंपाउंड्स प्लीज एक बार रिविजिट करके आओ, नहीं तो तुम लोगों को आगे के चैप्टर्स बहुत डिफिकल्ट जाएंगे। हम लोगों ने वो चैप्टर को इतना जो टाइम लिया था ड्यूरेशन उसे वेस्ट मत करना, ठीक है। XO3 माइनस वापस एक बार दिखाता हूँ, एक्स की वैल्यू पता नहीं है, माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस फाइव, ठीक है। चलो और एक फाइनल रिएक्शन और एक देख लेते हैं, पी फोर प्लस ओ एच माइनस, दिस थिंग गिव्स यू पी एच थ्री प्लस एच टू पी ओ टू माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे फॉस्फोरस था जीरो में, पी एच थ्री में हाइड्रोजन प्लस वन, तीन हाइड्रोजन माइनस प्लस थ्री, तो ये हो जाएगा माइनस थ्री। अब यहाँ पे प्लस टू प्लस एक्स माइनस फोर इज इक्वल्स टू माइनस वन, तो प्लस टू प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू माइनस वन, एक्स विल बिकम प्लस वन। तो फॉस्फोरस यहाँ पे है प्लस वन में, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे फॉस्फोरस माइनस थ्री में गया और फॉस्फोरस प्लस वन में गया, तो दिस इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिस्प्रपोर्शनेशन की रिएक्शंस है, लिख के रखो। ओके और एक रिएक्शन लिख के रखना, इनकी बैलेंसिंग हम लोग बाद में देखेंगे। एसेट प्लस ओ एच माइनस गिव्स यू एस माइनस टू प्लस एस टू ओ थ्री माइनस टू, ठीक है। यहां पे हुआ रिडक्शन, माइनस टू में गया ना जीरो से, तो रिडक्शन। बाजू वाले में हुआ ऑक्सीडेशन, जीरो से प्लस टू में चला गया, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट की बात चालू है। तो यहां पे ये चला गया प्लस टू में, तो यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। याद रखो इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे रेडॉक्स के रिएक्शंस बैलेंस करेंगे। अगेन किसी ने तो एक क्वेश्चन पूछा है कि सर यहाँ पे पीएच थ्री के केस में दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, हाइड्रोजन भी 2.1 फॉस्फोरस भी 2.1, तो ऐसे टाइम पे हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन प्लस बनेगा। तो रूल क्या है, हाइड्रोजन जब कभी किसी एक नॉन मेटल को अटैच्ड है, रूल है याद रखो सिर्फ, तो हाइड्रोजन जब कभी किसी एक नॉन मेटल को अटैच्ड है इट विल ऑलवेज बी प्लस वन, ठीक है। फॉस्फोरस नॉन मेटल है तो ये हमेशा प्लस वन रहेगा, ये बन जाएगा माइनस थ्री, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो लिख दो, कोमल रेडॉक्स रिएक्शन में यूजुअली एक चीज का होता है ऑक्सीडेशन और दूसरे किसी चीज का होता है रिडक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ही चीज का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो एक ही चीज का जब दोनों होगा एक साथ तो हम लोग बोलेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये मैंने जो पांच एग्जाम्पल्स दिए हैं उसमें एक ही, पहले वाले में ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, दूसरे में हैलोजन का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, तीसरे में फॉस्फोरस है और चौथे में सल्फर है। तो यहाँ पे एक ही चीज है जो ऑक्सीडाइज भी हो रही है और रिड्यूस भी हो रही है, इसलिए इनको हम लोग डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। लिख दो, कंप्लीट कर दो। ओके चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, देखते तुम लोगों को कॉन्सेप्ट्स कितने समझ में आ रहे हैं। इसका रीजन भेजना जल्दी जल्दी। क्वेश्चन F2, डू नॉट
इंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मैंने ऊपर तुम लोगों को लिख के दिया ना, हेलोजन, सारे हेलोजन करते हैं बट फ्लोरीन नहीं करता। अजिंक्य, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। वाई, तुम लोगों को रीजन बताना है। आकाश, परफेक्ट आंसर है, करेक्ट, नाइस। श्रिया, योर आंसर इज करेक्ट बट थोड़ा वेग आंसर है। अच्छे से दे सकते हो और अच्छे स्पेसिफिक वर्ड यूज करके एक, बट आपका आंसर वैसे तो देखा जाए तो करेक्ट है, बट स्टिल तुविन परफेक्ट आंसर। यश, परफेक्ट आंसर। अगेन मुक्ता, इवन योर आंसर इज क्वाइट वेग, ऐसे अप टू द पॉइंट नहीं है। नक्षत्र करेक्ट आंसर है। हेत, इवन योर आंसर इज क्वाइट वेग। बहुत जन ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा ही बोला है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा रहने की वजह से होगा क्या, वो तुम लोगों को एक्सप्लेन करना है ना, ठीक है। अक्षय करेक्ट आंसर है, असीम करेक्ट आंसर है। ओके, तो देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, परफेक्ट। तो सबसे ज्यादा है तो वो एक ही ऑक्सीडेशन नंबर बताता है, क्या बताएगा, -1। मतलब तुम लोग F2 को F- में लेके जा सकते हो। F- में लेके जाओगे मतलब इसका कर सकते हो रिडक्शन, इसका तुम लोग क्या कर सकते हो, रिडक्शन। बट F2 को कभी हम लोग F+ में लेके जा सकते हैं क्या, कभी नहीं लेके जा सकते। तो इसका रिडक्शन पॉसिबल है बट ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। बट ऑक्सीडेशन इज नॉट पॉसिबल, एंड हम लोगों को डिसप्रपोर्शनेशन के लिए ऐसे कंपाउंड चाहिए जो ऑक्सीडाइज भी होंगे एंड रिड्यूस भी होंगे। बहुतों ने करेक्ट आंसर दिया था, बाकियों ने भी ट्राई किया, बट वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला यहाँ पे नहीं बोलना था, यहाँ पे बोलना था कि इसकी सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है विच इज -1। इतना भी तुम लोग बोलते तो सफिशियंट था। यप, श्रिया, इवन योर आंसर वॉज क्वाइट करेक्ट, चलेगा ये भी, हमें करेक्ट। ओके, वृतांत करेक्ट था आंसर। तो चलो आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, डू नॉट शो दिस प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। ऑप्शन ए HClO, ऑप्शन बी HClO2, ऑप्शन सी HClO3 एंड ऑप्शन डी HClO4। अब याद रखो ये सारे कंपाउंड्स तुम लोगों को पता है, ये सारे कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन स्टेट अगर तुम लोग अच्छे से निकालते तो तुम लोगों का भी पता रहती, ठीक है। तो प्लीज सब कुछ रिवाइज करके आओ, आगे के चैप्टर्स बहुत इजी जाएंगे। अमे, परफेक्ट आंसर, वेरी नाइस, वेरी गुड। बाकी के स्टूडेंट्स, अजिंक्य, परफेक्ट करेक्ट आंसर है। श्रावणी, हेत, मुक्ता करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। तो देखो यहाँ पे सबके ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो, दिस इज +1, दिस इज +2, सॉरी +2 बोल रहा हूँ, दिस इज +3, दिस इज +5 एंड दिस इज +7। और आई गेस ये पढ़ाते वक्त ही मैंने तुम लोगों को बता दिए थे इनके ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो ये जो है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। जब कोई चीज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगी तो उसका और ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका तुम लोग सिर्फ और सिर्फ कर पाओगे रिडक्शन, ओनली रिडक्शन, ठीक है। और जिस चीज का हम लोग सिर्फ रिडक्शन कर पाएंगे वो डिस्प्रपोर्शनेट नहीं हो पाएगी, ठीक है। श्रिया करेक्ट आंसर था, अजिंक्य करेक्ट आंसर था। तो लिख दो यहाँ पे नोट के इसमें फॉर्मेट में, नोट इफ एटम इज प्रेजेंट
इन इट्स मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, इट कैनॉट बी, इट कैनॉट अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. ठीक है, तो लिख दे, लिख दो, सॉरी. चलो आगे बढ़ते हैं, नई हेडिंग डालते हैं एक. बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, अब हमारे सिलेबस में तुम लोगों के 11th के नोटबुक में तुम लोगों को इसके लिए दो मेथड्स मिलेंगी. एक मिलेगी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, एंड दूसरी तुम लोगों को मिलेगी हाफ रिएक्शन मेथड, हाफ रिएक्शन मेथड. ठीक है, अब पहले मैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, उसके बाद हम लोग हाफ रिएक्शन मेथड पढ़ेंगे, फिर शॉर्टकट से कैसे बैलेंस करने वो पढ़ेंगे. ठीक है, तो यूजुअली हम लोगों को ज्यादा प्रिफरेबल रहता है हाफ रिएक्शन मेथड. ठीक है, इट इज क्वाइट प्रिफरेबल. देखते हैं ये कैसे होता है. पहले हम लोग फर्स्ट मेथड देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, फिर हाफ रिएक्शन कल देखेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में देख पाएंगे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. अब याद रखो ये हम लोगों को सिर्फ 11th के सिलेबस के लिए पढ़नी है. एंट्रेंस में तुम लोगों को कोई मेथड के बारे में नहीं पूछने वाला है, तुम लोगों को जस्ट आंसर निकालने. ठीक है, तो चलो कंटिन्यू करते हैं. नाउ इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ओके, अरे ऑफलाइन क्लास वो तो लगता नहीं है कि इस साल भी स्टार्ट होंगे. तो चलो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड देखते हैं. मोस्टली फेब्रुवरी एंड तक स्टार्ट होने चाहिए, लेट्स सी नाउ, बट बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, अभी तक ट्रांसपोर्टेशन ही ऑन नहीं किया है. नाउ रूल्स, अगेन हर एक चीज के लिए कुछ ना कुछ रूल्स रहते हैं, तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ रूल्स रहने ही वाले हैं. तो लेट्स सी रूल्स क्या क्या है. रूल नंबर वन, रूल नंबर वन, बैलेंस नंबर ऑफ ऑल एटम्स, नंबर ऑफ ऑल एटम्स एक्सेप्ट. ये लिखते जाओ, बाद में हम लोग एक एक करके इसका देखेंगे एक्सप्लेनेशन. एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, रूल्स लिखते जाओ. एंड असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ईच ऑफ देम. डेफिनेटली आयुष कभी ना कभी तो मिलेंगे ही, तब करेंगे ये प्लान. अब पॉइंट नंबर टू, बैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन बोथ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड स्पीशीज बाय अप्रोप्रिएट कोएफिशिएंट्स. तुम लोगों को ये रूल्स कोई नहीं पूछने वाला है एग्जाम में. ठीक है, कॉलेज के एग्जाम में भी नहीं पूछेंगे या एंट्रेंस में भी नहीं पूछेंगे. ठीक है, ये जस्ट तुम लोगों के नॉलेज के लिए है.
एंड तुम लोगों के नोटबुक से थोड़ा सा मेरा डिफर करेगा, ठीक है, मेरी मेथड थोड़ी सी अलग होगी बट सिंपलर होगी, इतनी गारंटी है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3, बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स। अब ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस करने के लिए दो मेथड्स हैं, ठीक है। नंबर 1, इन एसिडिक मीडियम, अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है, तो अब अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है तो ऐड H2O, ऐड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स टू द साइड हैविंग लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझ लो रिएक्टेंट साइड पे 4 ऑक्सीजन है एंड प्रोडक्ट साइड पे सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन आ गए, तो प्रोडक्ट साइड पे और 2 ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे टाइम पे हम लोग 2 वाटर मॉलिक्यूल प्रोडक्ट साइड पे ऐड करेंगे। जिस तरफ ऑक्सीजन का नंबर कम होगा उस तरफ उतने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देना, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीजन के लिए। अब सेकेंड, फॉर बेसिक मीडियम। अब बेसिक मीडियम में हम लोग क्या करेंगे, तो ऐड H2O molecules टू द साइड Having more number of oxygen atoms and double the number of OH molecules to opposite side। अब इसका जो मीनिंग है वो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो ही मैं तुम लोगों को बता सकता हूँ, ठीक है। बट जिस तरफ पहले से ज्यादा ऑक्सीजन है उधर ही हम लोग उतने ही ज्यादा वापस वाटर ऐड करेंगे एंड फिर अपोजिट साइड पे उसके डबल OH माइनस ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसका मीनिंग तुम लोगों को बाद में ही पता चल जाएगा, अभी के लिए सिर्फ लिख के रखो। एंड फिर फोर्थ, अब ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया, फिर फोर्थ फोर्थ इज टू बैलेंस हाइड्रोजन, ठीक है। तो बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स, बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स बाय एडिंग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H+ आयंस टू द साइड containing less number of hydrogen atoms, ठीक है। अब इसमें आगे कंटिन्यू करना, if a side contains H+ and OH minus, ये बेसिक मीडियम में होता है, बेसिक मीडियम में OH minus आयंस आएंगे, तो if a side contains H+ and OH minus then water is formed, तो हम लोग उन दोनों को कंबाइन करके H2O लिखेंगे, ठीक है। तो ये 4 ही रूल्स हैं जो तुम लोगों को याद रखने हैं। एंड फाइनली 5वां रूल जो मीनिंगलेस है, क्रॉस चेक दैट नंबर ऑफ एटम्स and charge is balanced on both the sides, ठीक है। तो चलो लिख दो, ये याद रखो, ये थोड़ी सी लेंदी मेथड है
एंड नेक्स्ट टाइम हम लोग जब हाफ रिएक्शन मेथड पढ़ेंगे तो इट इज वेरी मच इजी, ठीक है? तो ये अभी के लिए सिर्फ लिख लो, फिर इसके हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे रूल्स लिख के हो जाए हम लोग थोड़े एग्जाम्पल्स करेंगे। चलो एक एग्जांपल कर लें, स्टार्ट करते हैं। आई गेस सबका लिख के हो गया है, किसी का बाकी है तो हैंड रेस करो। ओके देखो जरा जल्दी जल्दी। बोर्ड्स के एग्जाम में, बोर्ड्स इन द सेंस तुम लोगों के 11th के एग्जाम में तुम लोगों को स्टेप वाइज आंसर देने पड़ते हैं, ठीक है? रिटन पेपर के टाइम पे 12th में तो तुम लोगों को ये कोई पूछने नहीं वाला है, बट 11th के एग्जाम में जब पूछेंगे तो तुम लोगों को स्टेप बाय स्टेप आंसर लिखने पड़ते हैं। ओके चलो कंटिन्यू करें। इस साल 11th की एग्जाम तो होगी बट मोस्टली तो एमसीक्यू के फॉर्मेट में ही होगी। यप ऑनलाइन ऑनलाइन फॉर्मेट में तुम लोगों के एग्जाम कंडक्ट करेंगे। डिपेंड्स, अगर कोई कॉलेज सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहा है तो हो सकता है, कुछ कॉलेजेस अभी ओपन भी है, ठाकुर कॉलेज ओपन हो गया है वैसे तो। नहीं, कुछ कॉलेजेस एक दो महीने से स्टार्ट हो गई है बट बहुत कम स्टूडेंट्स जा रहे हैं, बट है चालू है। ओके तो चलो कंटिन्यू करते हैं। जब बहुत सारे कॉलेजेस ऑनलाइन तो कब से स्टार्ट ही है एंड कुछ कॉलेजेस ऑफलाइन में भी स्टार्टेड हैं। ओके लेट्स टेक अ क्वेश्चन। ये अभी हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करने वाले, तो राइट डाउन रिएक्शन बिटवीन डाइक्रोमेट एंड सल्फाइट आयन, ठीक है? अगर ऐसा क्वेश्चन आया, यूजुअली ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, तुम लोगों को रिएक्शन लिख के दे देते हैं, बट अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो तुम लोग क्या करोगे? डाइक्रोमेट आयन तुम लोगों को पता रहना चाहिए। डाइक्रोमेट आयन क्या रहता है? तो Cr2O7-2, K2Cr2O7 में से दो को, के को निकाल दिया। सल्फाइट क्या रहता है? तो SO4 सल्फेट, सल्फाइट हो गया SO3-2, ये हो गया सल्फाइट, ठीक है? अब डाइक्रोमेट का जब कभी रिडक्शन होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका रिडक्शन होगा, तो मैंने ऊपर तुम लोगों को ये बार बार लिख के दिया था, ये बनाता है Cr+3 प्लस सल्फाइट। आइट का ऑक्सीडेशन जब होता है तो ये बनाता है 8, तो सल्फेट, ठीक है? यूजुअली ये ऐसे रिएक्शन तुम लोगों को नहीं पूछते हैं, ठीक है?
तुम लोगों को हमेशा रिएक्शन लिख के देते हैं, ऐसे रिटर्न फॉर्मेट में बहुत रेयरली आता है, बट अगर आ गया तो एक दो हम लोग ऐसे प्रैक्टिस के लिए कर लेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले स्टेप मैंने क्या बताई थी तुम लोगों को, सबसे पहले ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी के आइटम्स बैलेंस कर दो, ठीक है। तो ऑक्सीजन को छोड़ के और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी के आइटम्स, यहाँ पे एक सल्फर, यहाँ पे भी एक सल्फर है, मैटर खत्म। यहाँ पे दो क्रोमियम है, यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे पहले 2 times कर देना, ठीक है, तो ईजी होगा। अब उसके बाद हर एक को ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करो। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अभी होपफुली सबको असाइन करने आती है। क्रोमियम यहाँ पे है +6 में, क्रोमियम यहाँ पे चला गया +3 में, सल्फर यहाँ पे है +4 में, सल्फर यहाँ पे चला गया +6 में। टेक योर टाइम, देख लो ये ऐसे करेक्ट है कि नहीं। अब क्रोमियम +6 में से जब जा रहा है +3 में, तो इसका हो रहा है रिडक्शन, एंड रिडक्शन में ये 3 × 2 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर रहा है, सॉरी गेन कर रहा है। देखो +6 में से +3 में जा रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, बट ऐसे दो क्रोमियम है इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, भावनाएं पहुंच गई। एंड सल्फर के केस में ये +4 में से +6 में जा रहा है, तो +4 में से +6 में जाना मतलब इसका हुआ ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीडेशन, हाँ अभी हम लोग जब रिएक्शंस बैलेंस करने वाले हैं तो कंजूसे जैसा मत लिखना, स्पेस देके लिखो। हर एक कंपाउंड या फिर हर एक मॉलिक्यूल लिखने के बाद उसके आजू में और बाजू में दोनों जगह पे सफिशियंट स्पेस रखना, सो दैट तुम लोग एडिशन कर पाओ, ठीक है। नहीं तो कंजूसे जैसा लिखते बैठोगे और फिर बहुत खिचड़ी हो जाएगी, ठीक है। अच्छे से लिखना, स्पेशियस लिखना। अब ये सल्फर +6 में जा रहा है, तो +4 में से जब +6 में जाएगा तो हम लोगों को क्या करना है, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। अब ऐसे टाइम पे यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशियो क्या आएगा, 1:3। तो 1:3 यहाँ पे एक और यहाँ पे 3, स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ तुम लोगों को अच्छे से समझ में आने के लिए। तो क्रोमियम का रेशियो आया 3 और सल्फर का आया 1, तो 1 को क्रोमियम से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को सल्फर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि क्रोमियम 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ये तो 2 ही कर रहे हैं, सॉरी क्रोमियम 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब बैलेंस्ड होगा। समझा कि नहीं समझा? तो अभी नेक्स्ट स्टेप इलेक्ट्रॉन्स की बैलेंसिंग में नेक्स्ट स्टेप में कर रहा हूँ। तो देखो 3 को हम लोग सल्फर से करेंगे, ओके देखो वापिस एक बार अच्छे से आराम से। क्रोमियम जो है, ठीक है, क्रोमियम जो है वो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस, सॉरी गेन कर रहा है, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन क्रोमियम गेन कर रहा है, बट सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, सल्फर सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो सल्फर को भी 6 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करना ही पड़ेगा। सल्फर 6 इलेक्ट्रॉन लॉस कब करेगा, जब तुम लोग यहाँ पे सल्फर को 3 से मल्टीप्लाई करोगे। देखो यहां तक फॉलो हुआ, ठीक है। यहाँ पे 3×2 करने का रीजन, क्योंकि मेरे पास 2 क्रोमियम एटम्स थे, 3×2 करने का रीजन क्योंकि मेरे पास 2 क्रोमियम एटम्स थे। सब कुछ वापस स्टार्ट करना है क्या ऑक्सीडेशन नंबर से? चलो वापस एक बार स्टार्ट करते हैं पूरी रिएक्शन, ओके। तो ऑक्सीडेशन नंबर तुम लोगों को आती है +6 से ये +3 में गया, +4 से ये +6 में गया। अब मुझे बताओ क्रोमियम के केस में, क्रोमियम के केस में क्रोमियम रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, क्रोमियम का हो रहा है रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है बताओ, तुम लोग ही बताओ। तो एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और मेरे पास ऐसे 2 क्रोमियम है, ठीक है, एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो मेरे पास इसे 2 क्रोमियम है, तो हो गया 6 इलेक्ट्रॉन का गेन। इतना फॉलो किया? अब सल्फर का हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब मुझे बताओ यहां पे सल्फर जब ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है तो एक सल्फर +4 में से +6 में जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, सल्फर जब ऑक्सीडेशन करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, परफेक्ट। तो यहां पे हो गया 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। अब मुझे बताओ
क्रोमियम अगर 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो सल्फर को भी 6 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, तो वो कब 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा? जब हम लोगों के पास कितने सल्फर आएंगे? तो जब हम लोगों के पास कितने आएंगे सल्फर, बताओ अभी, मैसेजेस करो। परफेक्ट, 3 सल्फर आ जाएंगे। समझ में आया? तो मैं तुम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाली मेथड दे रहा था कि ऐसे टाइम पे इतना सोचते मत ही बैठो, तुम लोगों को सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए और कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए वो फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 2 आया। सिंपलेस्ट रेशियो लो, 1:3 क्रोमियम के लिए, 3 सल्फर के लिए 1। तो 1 क्रोमियम को मल्टीप्लाई करना क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 1 इस तरफ चला गया और ये 3 इस तरफ चला गया, खत्म। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया करो तो इजी होगा। आगे हम लोग और एग्जांपल्स देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या आया, 1:3, तो 3 को हम लोग सल्फर से मल्टीप्लाई करने वाले। तो व्हाट आई विल गेट, Cr2O7 -2। वेरी नाइस अक्षय, परफेक्ट आंसर है, करेक्ट है। ओके, तो Cr2O7 -2 प्लस 3SO3 -2 गिविंग यू 2Cr+3 प्लस। अब यहां पे 3 से सल्फर को मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियस है, यहां पे भी 3 से मल्टीप्लाई करना, भूल मत जाना, ठीक है। इसके आगे वाली स्टेप, आगे वाली स्टेप क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे अभी नेक्स्ट स्टेप एटम्स और चार्ज को बैलेंस करने के बाद हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन बैलेंस करना है। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है मुझे बताओ, इस तरफ कितने ऑक्सीजन है? ये 7 ऑक्सीजन एंड 3 × 3 9, तो 7 + 9 16 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पे 16 ऑक्सीजन है एंड इस साइड अगर देखोगे तो 3 × 4 12 ऑक्सीजन है। मुझे बताओ ऑक्सीजन के लिए मैंने क्या बताया, ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है। अगर कुछ लिख के दिया नहीं है तो हम लोग अज्यूम करेंगे दिस रिएक्शन इज अकरिंग इन एसिडिक मीडियम। अगर ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है तो हम लोगों को कितने वाटर ऐड करने पड़ेंगे? तो जिस तरफ कम ऑक्सीजन है उस तरफ 4 वाटर ऐड करने पड़ेंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये हो गई सेकेंड स्टेप जिसमें हम लोगों ने ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया, ठीक है। थर्ड स्टेप देखते हैं, थर्ड स्टेप में हाइड्रोजन बैलेंस कर रहे हैं। अब मुझे बताओ इस तरफ कितने हाइड्रोजन है? तो आई डोंट थिंक इस तरफ कुछ हाइड्रोजन बचे थे। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या लिखा, Cr2O7 -2 प्लस 3SO3 -2 गिविंग यू 2Cr+3 प्लस 3SO4 -2 प्लस 4H2O। अब अगर तुम लोग नोटिस करोगे तो इस तरफ तुम लोगों के पास 0 हाइड्रोजन है, ये OH लगेगा, ऐसे लिखते हैं 0 हाइड्रोजन, और इस तरफ तुम लोगों के पास 8 हाइड्रोजन है। तो जिधर 0 हाइड्रोजन है वहां पे तुम लोग ऐड करोगे 8 हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H+ ऐड कर रहे हैं, तो H+ ऐड कर दिया। अब सारे एटम्स बैलेंस्ड हो गए, इसके बाद तुम लोग चेक करोगे चार्ज बैलेंस है कि नहीं, चार्ज देखते हैं चार्ज बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो इधर अगर मैं चार्ज पूछूं तो कितना चार्ज है, देखो ये -2, 3 × -2 हो गया -8, ठीक है। देखो -2 प्लस 3 × -2 -6, तो -2 -6 प्लस से -8 हो गया -8 एंड 8 × -+1, तो ये हो गया +8। तो -8 + 8 कितना हो गया, तो चार्ज यहाँ पे है 0। अब दूसरी तरफ चार्ज देखते कितना हो गया, अब 2 × 3 हो जाएगा +6, 3 × -2 हो जाएगा -6, +6 - 6 यहाँ पे भी हो गया चार्ज, वाटर के ऊपर चार्ज नहीं है तो यहाँ पे भी हो गया चार्ज 0। पूरी रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई है, एक बार आराम से देख लो बैलेंस्ड है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन थी, मुझे और एक रिएक्शन तुम लोगों को करानी है, तो है ताकत तुम लोगों में और एक एग्जांपल करने की, कर ले। ओके, नो वाले बहुत है एंड यस वाले बहुत कम है, वैसे तो एक जरा बेसिक मीडियम का देख लो ना, रे क्या बुरा हो जाएगा, क्या तुम लोग इसमें क्या तुम टाइम पास ही है, ये रिएक्शन बैलेंस करना है इसमें सिर्फ, और तुम लोग थक गए।
चलो अभी यस वाले बहुत आ गए। हाँ थैंक यू थैंक यू। ओके तो चलो एक लास्ट एक सिंपल छोटी सी रिएक्शन लेते हैं, ठीक है? तो देख लो तुम लोगों को ये रिएक्शन बैलेंस कर रही है, ठीक है? मतलब मैं ही बैलेंस करके दूंगा, डोंट वरी। MnO4 माइनस प्लस Br माइनस गिविंग यू MnO2 प्लस BrO3 माइनस। एंड ये रिएक्शन तुम लोगों को बैलेंस करनी है बेसिक मीडियम में, ठीक है? तो अब बेसिक मीडियम में ये कैसे बैलेंस करेंगे वो देखते हैं। अब याद रखो तुम लोगों को कुछ चीजों का ऑक्सीडेशन नंबर याद ही रखना है। फॉर एग्जाम्पल MnO4 माइनस, ठीक है, ये रहता है +7। एंड MnO2 ये बच्चा भी निकाल सकता है, ऑक्सीजन -2, दो ऑक्सीजन -4, -4 को बैलेंस करने के लिए मैंगनीज बन जाएगा +4। यहाँ तक फॉलो हुआ? अब यहाँ पे ब्रोमीन पहले से माइनस में ही है, अब यहाँ पे निकालो सिर्फ, यहाँ पे -6 और उस तरफ चला जाएगा तो हो जाएगा +5, ठीक है? तो ये बन जाएगा +5। देख लो ऑक्सीडेशन नंबर अभी निकालने में किसी को कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फॉलो हुआ? नेक्स्ट सबको ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर दिया, ऑक्सीजन को छोड़ के बाकियों के नंबर भी पहले से बैलेंस्ड है। इधर भी 1 MN, इधर भी 1 MN, रिएक्टेंट साइड पे 1 ब्रोमीन, प्रोडक्ट साइड पे भी 1 ही ब्रोमीन, तो नंबर पहले से बैलेंस्ड है। अब तुम लोग मुझे बताओ +7 से, हाँ यहाँ पे ना 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 ये +7 नहीं होना चाहिए, ये +5 ही होना चाहिए। देख लो ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो जरा, एक्स -6 इज इक्वल टू -1, तो एक्स इज इक्वल टू +5, ठीक है? तो ये +5 होना चाहिए। ओके तो आगे बढ़ते हैं। अब मैंगनीज के केस में अगर तुम लोग देखोगे तो मैंगनीज +7 से +4 में जा रहा है, मतलब इसका हो गया रिडक्शन। +7 से +4 में जाना मतलब इसका नंबर कितने से मल्टी चेंज हुआ, तो याद रखो 4 -7 हो जाएगा 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन का इसने किया लॉस। फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा किया करो, ठीक है? अब ब्रोमीन के लिए अगर तुम लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं तो ब्रोमीन का हो गया ऑक्सीडेशन, नंबर बढ़ गया ना, तो ऑक्सीडेशन चेंज कितने का आया, हाँ सॉरी यहाँ पे लॉस होगा, एक्सक्यूज मी सॉरी, मैंने सॉरी लॉस नहीं गेन होगा, यहाँ पे मैंने गलती से लॉस लिख दिया, रिडक्शन हो रहा है ना, थैंक यू। तो 3 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे हुआ गेन, अब कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ वो देखते हैं, ठीक है? तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करना, फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट थी +5, माइनस इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट थी -1, तो माइनस माइनस +1, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स का हुआ यहाँ पे लॉस, तो लॉस ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? तो 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, कैसे करोगे? अक्षय परफेक्ट आंसर है, बस वाटर का नंबर आपका थोड़ा सा गलत आ गया है, वो हम लोग देखते हैं कहाँ पे मिस्टेक हो गई है। तो अभी 2:1 का रेशियो हुआ, परफेक्ट। तो अभी तुम लोग बताओ मुझे मैंगनीज को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंगनीज को ऐसे टाइम पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं डायरेक्ट एक ही स्टेप में रिएक्शन कर रहा हूँ, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे रेशियो देख लेना, 1:2, 2 का आया ना, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मैंगनीज, ठीक है? अब यहाँ पे 2 मैंगनीज करोगे तो यहाँ पे 2 MnO2 करना मत भूलना, नहीं तो पूरी रिएक्शन बिगड़ जाएगी। अब इसके बाद ऑक्सीजन बताओ, इस तरफ कितने ऑक्सीजन है, तो मैंगनीज के ही 2 और 2 × 4 8 ऑक्सीजन है, ठीक है? यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पर 4 और 3 7 ऑक्सीजन है। बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन की मैंने कंडीशन क्या बताई थी, बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन की कंडीशन मैंने क्या बताई थी, जिस तरफ ज्यादा ऑक्सीजन है उसी तरफ ही वाटर ऐड करो, याद रखवा, ये जरा ट्रिकी काम हो सकता है। तो जिस तरफ ज्यादा ऑक्सीजन है उसी तरफ वाटर ऐड करो, ये उल्टा काम हो गया ना जरा, हम लोगों को जिस तरफ कम रहता है उस तरफ ऐड करने की आदत है, बट इस कंडीशन में हम लोग जिस तरफ बेसिक में जिस तरफ ज्यादा है उधर ही वाटर ऐड करेंगे एंड उसके डबल OH माइनस दूसरी तरफ ऐड करेंगे, तो 2 MnO2 2 MnO2 प्लस BrO3 माइनस प्लस
OH-। फॉलो किया? जिस तरफ ऑक्सीजन कम थे उस तरफ वाटर ऐड नहीं करना है, जिस तरफ ऑक्सीजन ज्यादा है उसी तरफ ही ऐड करना है। तो ये लिख दो, ठीक है। तो अब इसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस करना है। अगर देखोगे यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन, अभी हाइड्रोजन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। चेक करो बैलेंस्ड हो गई है कि नहीं, चार्ज चेक करते हैं। अभी मैंगनीज, यहाँ पे दो मैंगनीज, यहाँ पे दो मैंगनीज, बैलेंस्ड है। यहाँ पे एक ब्रोमीन, यहाँ पे एक ब्रोमीन, बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन देखते हैं, चार ऑक्सीजन गुणा दो आठ ऑक्सीजन, आठ और एक नौ ऑक्सीजन, चार गुणा दो चार ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन हो गए सात, सात अधिक दो हो गए नौ, ठीक है। तो नौ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी बैलेंस ही हो गए, हाइड्रोजन यहाँ पे दो यहाँ पे भी दो, बैलेंस्ड है। अब चार्ज देखो, चार्ज अगर देखोगे तो 2 × 1 मतलब कितना हुआ, तो -2, यहाँ पे -1 तो टोटल हो गया -3, -3। तो ये देखो यहाँ पे एक -1 है और 2 × 1 हो गया -2, तो -3। तो चार्ज भी, ओवरऑल चार्ज भी अभी बैलेंस्ड है, तो रिएक्शंस आर बैलेंस्ड, ठीक है। मैं आज होमवर्क में तुम लोगों को कुछ एमसी क्वेश्चन सेंड करूंगा, जेपेक फाइल तुम लोगों को इसकी मिल जाएगी, एंड एमसी को कुछ सेंड करूंगा, वो अच्छे से लिख लेना, ठीक है। एंड विद दिस विल स्टॉप दिस लेक्चर ओवर हियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। होमवर्क नेक्स्ट टाइम करके आना प्लीज।